हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप। देखो, आज हम लोग पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन की शुरुआत करेंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस अब ये होते क्या है, तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या चीज है, हम उनकी चर्चा करते हैं। बट पिछली क्लास की जो बातें थी वो बातें आपको याद होनी चाहिए कि अकाउंटिंग क्या था, क्या फायदे, क्या घाटे, लिमिटेशन, बुककीपिंग क्या था, दे ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। आज हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअली तीनों होते क्या है। देखो, तीन वर्ड यहाँ पे है, एक है आपका कॉन्सेप्ट, एक है प्रिंसिपल, एक है कन्वेंशन। आप तीनों को बहुत ध्यान से मेरे साथ सुनना, आपको अच्छा लगेगा समझना। ये देखो, ये तब की बात है जब अकाउंट्स की शुरुआत हुई थी, मतलब अकाउंट्स का आपका हम लोगों ने जो बही है, बही खाता जिसको बोलते हैं अकाउंट्स, हमने एंट्री करना शुरुआत किया, लिखना शुरू किया, प्रॉफिट लॉस बनाना शुरू किया। तो ऑब्वियस बात है कि जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की, जब ये स्टार्ट हुआ आपका अकाउंटिंग होना, तो उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ नोशंस, कुछ आइडिया, कुछ परसेप्शन दिमाग में रखा, और उन परसेप्शन को दिमाग में रखते हुए फिर क्या हुआ, एंट्री करना शुरू किया, लेजर अकाउंट बनाना शुरू किया, ट्रायल बिल्स बनाया, फाइनल अकाउंट बनाया और सारे काम शुरू हुए। तो मेरे कहने का मतलब कि कॉन्सेप्ट वो आइडियाज हैं, वो नोशंस हैं, वो परसेप्शंस हैं जिनको दिमाग में रखकर अकाउंट्स की शुरुआत हुई। ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्योंकि ये तीन वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जहां से अकाउंटिंग की शुरुआत हुई। अब हुआ क्या कि उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हम लोग अपना अकाउंटिंग करना शुरू किए, करते गए, फिर क्या हुआ कि समय आया जहां पे हमें रिक्वायरमेंट आई कि यार कुछ हम प्रिंसिपल्स बनाए, कुछ सिद्धांत, जिन सिद्धांत पे हम लोग अकाउंटिंग को किसी को सिखा सके, आने वाले जनरेशन को हम बोल सकते कि आप भैया इस तरीके से अकाउंटिंग करो। तो हम लोगों ने क्या किया, जो कॉन्सेप्ट थे ना, जिन कॉन्सेप्ट को लेकर हम अकाउंटिंग किया करते थे, हमने उनको एक रिटन फॉर्म दे दिया जिसको बोला गया प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो पहले हुआ करते थे, अब वो प्रिंसिपल बन गए, वो सिद्धांत बन गए। प्रिंसिपल बनने का मतलब होता है मेरे बच्चे कि अब वो एक रूल हो गए, एक डिफाइंड रूल हो गए कि भैया अकाउंटिंग करते समय हमें इन बातों को ध्यान देना होगा। तो आप, मैं आपको अगर पूरी हिस्ट्री बताऊं तो जनरली जो कॉन्सेप्ट थे ना, वही प्रिंसिपल्स में कन्वर्ट हो गए, है ना। क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट क्या था, ये आइडिया था, उसी आइडिया पे हम अकाउंटिंग करते थे, उन्हीं को हमने रिटन फॉर्म दे दिया, तो बिकम्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपका। कोई डाउट इसमें नहीं सर। नाउ व्हाट डू मीन बाय कन्वेंशंस। देखो, मैं कन्वेंशन की बात करूं, थर्ड आपका, तो जिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को लेकर, कौन कौन से होते भी हम डिस्कशन करेंगे, जिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल को लेकर हम लोग अकाउंटिंग किया करते थे ना, उनमें कुछ चेंजेज की रिक्वायरमेंट आई, कुछ मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट आई, कुछ नए डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट आई। तो हम लोगों ने क्या किया, जितने सारे प्रिंसिपल्स हमारे पास थे, उनमें जितने भी नए डेवलपमेंट करने थे, नया कुछ एडिशन करना था, उन सबको करते हुए हमने कन्वेंशंस बनाए। तो एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट था ना बच्चे, वही प्रिंसिपल बना। सॉरी, एंड जो प्रिंसिपल था उसी में कुछ नए मॉडिफिकेशन करके हम लोगों ने क्या किया, कन्वेंशंस तैयार किए। तो एक्चुअली कन्वेंशंस क्या है, प्रिंसिपल का ही मॉडिफाइड फॉर्म, मतलब प्रिंसिपल को ही एक कह दो अपग्रेडेड फॉर्म, अपग्रेड किया हुआ चीज आपका, जो हम अब आज के टाइम पे, क्योंकि पहले अकाउंटिंग डिफरेंट हुआ करता था, पहले बिजनेस का रूप अलग हुआ करता था, बिजनेस पहले छोटे लेवल पे हुआ करता था, बिजनेस बड़े लेवल पे हो रहा है, पहले बिजनेस किसी एक छोटे से गांव, कस्बे या शहर में लिमिट होता था, आज हम वर्ल्ड पे जा चुके हैं। तो नो डाउट कि हर एक चीज में डेवलपमेंट होता है, तो हमारे अकाउंटिंग में भी डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट थी। तो जो प्रिंसिपल्स थे वही कन्वेंशन में कन्वर्ट हो गए और हम उसी के ऊपर में अकाउंटिंग करते हैं। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को दूं कि जो कॉन्सेप्ट है, मतलब आज के टाइम पे, आज अब आप हिस्ट्री छोड़ दो, मैं आज की बात कर रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट थे
वही प्रिंसिपल बने और वही उन्हीं का कन्वेंशन हुआ। मतलब आज जो भी हम कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे एक्चुअली वो प्रिंसिपल है, वही कन्वेंशन है, तभी तो हम उसको स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि जो चीज खत्म हो गया बच्चे, जो चीज हमें लगा कि यार ठीक नहीं है, वो तो हटते चले गए, वो खत्म होते चले गए, उनके बारे में हम स्टडी भी नहीं करेंगे। तो याद रखना, अगर मैं कहता हूं या कोई कहता है कि कॉन्सेप्ट ही प्रिंसिपल्स हैं और वही कन्वेंशंस हैं, तो आप इसमें परेशान ना होना, मतलब वो सही बोल रहे हैं। एग्जाम में आ जाए एक सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल या सेपरेट एंटिटी आपका कन्वेंशन, तो आप परेशान ना होना, दे ऑल हैव सेम मीनिंग, दे ऑल हैव सेम मीनिंग। समझे मेरी बात ना? तो ये तीनों का मतलब सेम होता है इन शॉर्ट। आपका मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट के बाद प्रिंसिपल क्यों आया, फिर प्रिंसिपल से कन्वेंशन क्यों आया। नाउ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आखिर ये प्रिंसिपल्स की, कन्वेंशन की या कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट क्यों आई। तो मैंने बड़े सिंपल शब्दों में आपको बताया, जरा एक सिचुएशन इमेजिन करना, सीओसी एजुकेशन, ध्यान से मेरी बात सुनना, लिमिटेड, नाम तो आपने सुना ही होगा, ये तो आपके खून मतलब शरीर के जो रक्त है, खून है, उनमें भी बसा हुआ ये नाम। अब जरा इमेजिन करो, ये एक साल मान लो 2020-21 में इन्होंने पूरा बिजनेस किया। बिजनेस करने के बाद इन्होंने क्या किया, आप लोगों में से पांच लोग, ए बी सी डी ई, पांच लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया कि उन्होंने सीओसी ने, और कहा कि आप एक काम करो जी, आप पांचों ना अलग अलग, कोई किसी को देखेगा नहीं, मतलब उसने क्या अकाउंट्स मेंटेन किया, उसने क्या, कोई नहीं, आप अपने अपने तरीके से क्या करो, अकाउंट्स मेंटेन करो, और मुझे बता दो कि पांच साल के बाद मेरा क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ। तो पता आप लोगों ने क्या किया, मतलब मैंने पांच अलग अलग रूम बना दिए और आप में से पांच बच्चों को मैंने क्या किया, अलग अलग यहाँ पे बैठा दिया और आपको कहा कि आप मेरी अकाउंटिंग करो। आप पांचों ने बिल्कुल अलग अलग मेरा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडी बुक सब कुछ आपने बनाया। बट ध्यान देना, जब आपने अकाउंट्स बनाया ना, तो हुआ क्या कि जब एंड ऑफ ईयर आया, एंड ऑफ ईयर, तो एंड ऑफ ईयर में मेरा प्रॉफिट अगर देखा जाए तो आपका कुछ अलग आया है, आपका कुछ अलग आया, आपका कुछ अलग, आपका कुछ अलग, सबका अलग 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 आया। सर क्यों, हमने कोई गलती की थी? ना मेरे बच्चे, गलती नहीं किया। यहां पे जब हम पांच आदमी को अलग अलग अकाउंटिंग करने में, आज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं पिछले जन्म की, एक्चुअली अभी की बात तो नहीं, अभी तो हमारे पास गैप आ चुका है जी। सर क्या होता है बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, मैं पिछले जन्म की बात कर रहा हूं, जिस जन्म में आप ना मेरे अंडर में काम करते थे, आप मेरे अकाउंटेंट थे, और पांचों को अलग अलग मैंने बैठा के अपनी अकाउंटिंग की थी। तो आप लोगों ने क्या किया था, गलती नहीं किया, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया, लेकिन एक्चुअली जो रूल्स आप लोगों ने फॉलो किए, अकाउंटिंग जो किया, सबका अपना अपना तरीका। जैसे कुछ बताऊं, डेप्रिसिएशन चार्ज करना था एसेट्स पे, तो किसी ने एसएलएम से कर दिया, किसी ने डब्ल्यूडीबी से कर दिया, किसी ने प्रोडक्शन यूनिट मेथड से कर दिया, किसी ने मतलब डिफरेंट मेथड से आप सबने कर दिया। इन्वेंटरी को वैल्यू करना था, अलग अलग तरीके से कर दिया। फिक्स एसेट्स को हमें बुक में दिखाना था, आपने अलग, किसी ने क्या किया जी, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखा दिया, किसी ने उसको रिवैल्यू कर दिया, किसी ने अपवर्ड रिवैल्यू किया, किसी ने डाउनलोड किया, किसी ने रिवैल्यूएशन किया तो रिवैल्यूएशन रिजर्व खोल दिया, किसी ने घाटे फायदे प्रॉफिट में ही दिखा दिए। मतलब बहुत तरीके की गंदा आप लोगों ने मचाए थे। एक्चुअली मैं कहना चाहता हूं, ऐसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना था तो आपने कुछ अलग बनाया, किसी ने कुछ, मतलब हर एक ने अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग की और इसलिए प्रॉफिट आपका अलग अलग निकल के आ रहा था। फिर मुझे गुस्सा आया था, बात पिछले जन्म की बता रहा हूं, मुझे गुस्सा आया था और आप पांचों को मैंने क्या किया, एक जगह पे खड़ा किया और तलवार उठवाया और पांचों का मैंने गर्दन काट दिया और आप पांचों मर गए। गुस्सा आना था मेरा, मैंने खून पसीने लगाकर बिजनेस किया, अब मैं प्रॉफिट जानना चाहता हूं और आप में से किसी का प्रॉफिट एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? ऐसा आया और मैंने आपको मार के खत्म कर दिया। लेकिन क्या आपके मारने, आपको मारने से मेरी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो गई क्या? क्या मैं अब फिर किसी पांच आदमी को पकड़ूंगा और उससे बोलूंगा कि अकाउंटिंग करो तो क्या सेम प्रॉफिट वो निकाल देगा क्या? नहीं निकाल पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि कोई डिफाइंड कोई रूल्स नहीं है, कोई डिफाइंड प्रिंसिपल नहीं था मेरे बच्चे उस जन्म में, डिफाइंड कोई तरीका कि आपको ऐसे ही काम करना है, ऐसे ही अकाउंटिंग करना है, कोई रूल नहीं था। अपने अपने मर्जी से आपका लोग अकाउंटिंग करते थे। फिर पता है क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब हम लोगों ने डेवलपमेंट करना शुरू किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, अकाउंटिंग कुछ प्रिंसिपल्स तो होने चाहिए, कुछ सिद्धांत तो होना चाहिए जिस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमें अकाउंटिंग को करना है।
तो फिर क्या हुआ कि वही कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स बनाए गए, आपके कन्वेंशंस बनाए गए, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकाले गए जो आप पढ़ेंगे जैसे जैसे आप बड़े होंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई चीज को कैसे हमें ट्रीट करना है, उसका क्या पॉलिसी होना चाहिए, कैसे हमें रिकॉर्ड करना है, कैसे रिवेल्यू करना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, क्या क्या हमें डिस्क्लोज करना है, वो सारी बातें बताई गई। और इस तरीके से अकाउंट्स को हमने क्या किया, एक अच्छा रूप दिया और नाम दिया गैप का। गैप गैप क्या होता है सर? आपका गैप का मतलब होता है मेरे बच्चे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या हमने बोला? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग का वो प्रिंसिपल जो जनरली सबको एक्सेप्ट, जिसके जो सबके लिए एक्सेप्टेड होगा, मतलब सबको फॉलो करना होगा। जब ये पांचों आदमी को, अब मैं क्योंकि आप इस जन्म में ले चुके हैं, अकाउंटिंग आप सीख रहे हैं, जैसे जैसे बड़ा होंगे आप सारे प्रिंसिपल सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप सीख जाएंगे। अब तो इंडेक्स का जमाना आ गया है, मतलब बड़ा होंगे तब बताऊंगा, अभी क्या छोटे छोटे बच्चे हो। तो ये जो चीजें आपका है, इन सबको क्यों सिखाया गया, इनको सिखाने से फायदा क्या हुआ कि अब आपके अंदर में एक प्रिंसिपल आपको पता है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि एक तरीका अकाउंटिंग करने क्या होगा वो आपको पता है, फिर आप अकाउंटिंग सही करोगे। और आज मैं आप पांचों को बैठा दूं ना, वो प्रिंसिपल जो डिफाइंड है, वो कन्वेंशन जो डिफाइंड है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो डिफाइंड है, वो देकर तो आप अपने बहुत आसानी से अकाउंटिंग कर लोगे। तो गैप यानी कि जनरली अकाउंट जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो आपके हैं, इसके अंदर में क्या है जी, जितने भी प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट कन्वेंशन पढ़ोगे, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ाए जाएंगे, सब गैप के अंदर में कवर होता है, है ना। आगे इंडेक्स पढ़ोगे वो भी इसी के अंदर में कवर्ड होता है। तो एक्चुअली ये आपको बताया, ये गैप कोई पूछ रहा कि एक शब्द में बताओ क्या मतलब होता है, एक शब्द में तो नहीं, एक लाइन में बताओ। तो गैप का मतलब कि हमें जितने भी प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन फॉलो करने होते हैं, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें फॉलो करने होते हैं, जितने भी हमें इंडेक्स फॉलो करने होते हैं, उन सबको मिला के हम क्या गैप का नाम देते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्लियर यहाँ पे आपका? ये सर, तो ये यहाँ पे कुछ बातें आपको हैं जो आपको समझना है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जरा आप मेरे साथ चाहो तो यहाँ पे एक बार पढ़ लो आप। कहाँ चला गया? हाँ जी, आप जरा पढ़ेंगे मेरे साथ यहाँ पे आपने इस सिलेबस के स्टार्टिंग में, देखो जरा इस चैप्टर के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में क्या लिखा गया, पढ़ेंगे मेरे साथ। अ वाइडली एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल्स कन्वेंशंस स्टैंडर्ड्स। रूल चाहे कन्वेंशन का जब बात करूंगा तो कन्वेंशन मतलब कॉन्सेप्ट भी दिमाग में चले, प्रिंसिपल भी चले, सबकी बात कर रहे हैं। रूल्स कन्वेंशन स्टैंडर्ड का मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके हो गए, इंडेक्स हो गए, एंड द प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर क्या होते हैं बच्चे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब जो आप प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट की बात करते हो आप यहाँ पे, इसको प्रेजेंट करने का जो आपका रूल होगा, कन्वेंशन होगा, स्टैंडर्ड होगा, उन सबको मिलकर हम क्या बोलते हैं? गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कहता है कि इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, FASB। गैप जो है ये किसने किया जी? फाइनेंशियली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने आपका इसको डेवलप किया है, एंड आज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग, और उनको इस बोर्ड ने क्या बनाया है तो गैप को बनाया। गैप का मतलब कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप को बनाया, ठीक है ना। तो गैप में आपको मैंने बताया, ध्यान रखना गैप का फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हो सकता है कि एक नंबर का MCQ इसके अंदर में आ जाए या फुल फॉर्म पूछ दे आपसे, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। उसी को गैप को मैंने फिर आगे आपको डिफाइन किया, पढ़ेंगे सेकंड पैरा। दे आर कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल कह दूं, कभी कन्वेंशन कह दूं, कभी कॉन्सेप्ट कह दूं, फर्क नहीं, मीनिंग सेम है। तो दे आर कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर दैट कंपनीज या एंटिटी यूज टू कंपाइल देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस तरीके से वो बनाती हैं, उनमें क्या प्रिंसिपल फॉलो करती हैं, किन स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, क्या रूल्स फॉलो करती है, उन सबको यहाँ पे आपका गैप का नाम दिया जाएगा, ठीक है ना। और ये गैप किसने एस्टेब्लिश किया था? FASB ने, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। आपका कोई डाउट इसमें? नहीं सर ना।
थोड़ा सा आगे पढ़ लो, गैप इज टू बी फॉलोड बाय कंपनीज टू सो दैट इन्वेस्टर हैव ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे यूज व्हेन एनालाइजिंग कंपनीज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। मतलब कि इस गैप को फॉलो करने से फायदा क्या होता है कि अगर मान लो 10 कंपनी है और 10 कंपनी ने जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है तो सबके बनाने के तरीके सेम है, सेम प्रिंसिपल फॉलो किया है, सेम स्टैंडर्ड फॉलो किया है, तो बहुत इजीली उसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो अगर मैं किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूंगा ना तो जो 3-4-5 कंपनी बच्चे मैं उनमें कंपेयर करता हूं कि यार कौन अच्छी है कौन खराब है, वो कंपैरिजन तभी आप कर पाओगे अगर सबने सेम टाइप के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को स्टैंडर्ड को फॉलो किया। तो वही हमें गैप इसमें हेल्प करता है। कहता है आगे पढ़ेंगे, गैप कवर्स सच एस्पेक्ट लाइक रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन मतलब कि इनकम कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए। जैसे पिछली क्लास में कहा था मैंने इनकम को रिकॉग्नाइज करने के कई तरीके थे जी, कैश बेसिस था, अक्रूअल था, हाइब्रिड था, और भी कई चीजें होते हैं। तो यहां पे किस तरीके से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाए वो हमें बताता है आपका स्टैंडर्ड। बैलेंस शीट आइटम के क्लासिफिकेशन, बैलेंस शीट के आइटम्स कौन-कौन से होंगे, किन किन हेडिंग्स में आएंगे, क्या क्या सब हेडिंग्स होंगे, कैसे कैसे क्लासिफाई करना है, किसके हेडिंग में क्या लिखना है, वो सारी बातें हमें आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड प्रिंसिपल सब बताते हैं। मतलब गैप बताते हैं एक्चुअली। जब भी मैं बोलूँ ना आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टैंडर्ड सब सारे रूल यानी कि गैप की बात की जा रही है, ठीक है ना। और ये कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंड देयर वैल्यूएशन, आपका ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंटेशन। गैप क्या क्या कवर करता है जी, एक तो आपका आइटम्स का रिकॉग्निशन, उनका क्लासिफिकेशन, उनको वैल्यू कितने पे करना है, उनको ट्रीट कैसे करना है और कैसे उनको प्रेजेंट करना है, सब गैप में कवर है। गैप का मतलब सिर्फ प्रिंसिपल नहीं है मेरे बच्चे, गैप का मतलब प्रिंसिपल साथ ही साथ स्टैंडर्ड भी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडेक्स भी है, इंडेक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। जब आप बड़े होंगे तो आप सीखेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा फाइनल लेवल में, अभी आप छोटे बच्चे हैं तो फिर आपको ये बात ध्यान रखना है, वर्ड कल्चर दिमाग में रहे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे, फिर हमने आगे पढ़ लो वही जो एग्जाम्पल समझा रहा था। सपोज वी गिव टू प्रिपेयर आर अकाउंट्स फ्रॉम 5 डिफरेंट अकाउंटेंट, आफ्टर सम टाइम ऑल अकाउंटेंट कम विथ देयर अकाउंट्स बाय शोइंग डिफरेंट प्रॉफिट सिंस ऑल ऑफ देम फॉलो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। इन दैट केस इट विल नॉट सर्व द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा। सो इट इज नेसेसरी दैट देयर शुड बी सम प्रिंसिपल सो दैट ऑल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय any member of the accountant will show the same amount of profit. So, to avoid confusion and to ensure uniformity, gap are framed. Gap का मतलब क्या हो गया? Principles, concept, convention, accounting standard सबको मिलाकर, ठीक है ना? तो अब हम आगे बढ़ते हैं accounting concept, principle and convention के अंदर में। अगला आपका इसमें topic है मेरे बच्चे, इसका डिटेल कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल कन्वेंशन कौन कौन से होते हैं। लेकिन उसके पहले बता दूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब कोई बोलता है ना कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में 3 चीजें आती हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पढ़ते जाएंगे, पढ़े भी होंगे, एक तो आपका प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस का मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एक आपका बैलेंस शीट और एक आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो याद रखना आपके लेवल में, आप छोटे बच्चे हैं इस लेवल में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब टिल फाउंडेशन लेवल जो आपका है वो आपका प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट कैश फ्लो होता है। जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो वहां पे नोट्स टू अकाउंट भी आ जाएगा और भी बातें आएंगी, बट अभी आप छोटे बच्चे हैं तो 3 आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के मुताबिक प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट कैश फ्लो एग्जाम में आ जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन दिया जाएगा, सॉरी प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। तो फंड फ्लो क्या जी, कोई नाम भी नहीं जानते, वो नहीं होता, ठीक है ना। ना आइए, अब हमने आपको बताना शुरू किया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। अभी जो बताया था ना बच्चे कि वो बेसिक एजम्पशन, बेसिक परसेप्शन जिसको लेके हमने अकाउंटिंग की शुरुआत की थी वही कॉन्सेप्ट है। जब उसका हम रिटर्न आपका फ्रेमवर्क दे देंगे तो वो प्रिंसिपल बन जाएगा और उस प्रिंसिपल में जितने मॉडिफिकेशन हुए उनको मॉडिफाई करके जो नया वर्जन निकला हम उसको कन्वेंशन कहेंगे। उन्हीं बातों को यहाँ पे मैंने लिख के बताया कि एग्जाम में कैसे आपको लिखना और समझना है, ठीक है ना। तो आओ ना एक बार कॉन्सेप्ट आपके लिए पढ़ देता हूँ। ऐसे मुझे पढ़ने का कोई खास शौक नहीं है, मैंने सारी बातें समझा दी हैं, लेकिन आप इतने प्यारे बच्चे हो ना, इतने प्यारे बच्चे हो कि आपके चेहरे पे थोड़ी सी भी स्माइल कम होती है ना, थोड़ी सी भी मैं कह दूं तो मुझे बहुत दुख होता है, सच्ची में दिल
आई थिंक इधर ही होता है, बहुत दुख होता है दिल के अंदर में, इसलिए मैं चाहता नहीं कि आपको किसी तरीके की परेशानी हो, तो मैं पढ़ देता हूँ। सुनो ना मेरी बात, मेरी बात सुनो ना। अरे सुनो, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। अरे इधर देखो, स्माइल पास बंद करना बंद करो। आप इधर देखो मैं क्या बता रहा हूँ, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मेरे साथ। और एक बात याद रखना, आपको जितने जो चीजें जितनी जल्दी याद हो जाती है ना, आप उतनी जल्दी भूल जाते हो। क्यों? रीजन ये क्योंकि जल्दी याद होने वाली चीज लंबे समय तक आपका याद नहीं रह सकता बच्चे। तो बेस्ट क्या है ना कि पहले मेरी बातों को सुनो, दिमाग में बैठाओ, और समझाने के बाद जब मेरी वीडियो खत्म हो जाए, क्लास खत्म हो जाए, तो लिख लिख के प्रैक्टिस करो। अगर टारगेट आपका 100% मार्क्स का है तो पढ़िए। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, दीज आर बेसिक एजम्पशन एंड कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। वो बेसिक एजम्पशन एंड कंडीशन जिसपे कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हो, ठीक है ना, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। सर्टेन कॉन्सेप्ट आर परसीव्ड, एज्यूम्ड एंड एक्सेप्टेड इन अकाउंटिंग टू प्रोवाइड यूनिफाइंग स्ट्रक्चर एंड इंटरनल लॉजिक टू अकाउंटिंग प्रोसेस। मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस जो आप कर रहे हो उस पर एक लॉजिकल चीज को डालने के लिए, एक प्रॉपर तरीके से उस चीज को दिखने के लिए कुछ एजम्पशन डालने होते हैं, कुछ एज्यूम करना होता है, कुछ एक्सेप्ट करना होता है। तो उन्हीं को हम यहाँ पे कह रहे हैं द कॉन्सेप्ट मीन्स आइडियाज और नोशन। वो आइडिया, वो नोशन जिसके बेसिस पे आपने अकाउंटिंग किया है, विच हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन क्यों बोला गया? तभी तो प्रिंसिपल बनेगा। सिद्धांत का मतलब होता है, प्रिंसिपल का मतलब होता है विच शुड बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरीवन। और वो तभी होगा जब यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा मेरे बच्चे, मतलब सभी लोग उसको अप्लाई करेंगे। तो ये वही चीज है जो सभी लोग अप्लाई करते हैं, करते थे। आपका कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द कॉन्सेप्ट विच गवर्न अकाउंटिंग मेथड्स। कॉन्सेप्ट आर दोज बेसिक एजम्पशन एंड कंडीशन विच फॉर्म द बेसिस अपन विच द अकाउंटेंसी हैज बीन लेड। मतलब ये वो आपके कॉन्सेप्ट है, वो आइडियाज है, वो बेसिक बात है जिसपे अकाउंटिंग बना है ना। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर ओनली रिजल्ट ऑफ ब्रॉड कंसेंसस जिसपे कि सब लोग हम एग्री हुए। दिज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फॉर्मुलेटेड। हमारे जो प्रिंसिपल्स बने बच्चे जिनको हम अब फॉलो कर रहे हैं, वो किसके कौन सी चीजों पे ऊपर बेस्ड आपका, वही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि कॉन्सेप्ट को ही हमने एक रिटर्न फॉर्म दिया, दैट बिकम्स प्रिंसिपल। और आज जितने भी कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल या कन्वेंशन स्टडी कर रहे हैं, ये वो है जो कि रूटीन में वो फॉलो किए जा रहे हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट ही प्रिंसिपल है और वही हमारा कन्वेंशन है, ठीक है ना। आओ ना मैं अब आगे चलूं। आपका कॉन्सेप्ट के बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अब क्या है, प्रिंसिपल पढ़ेंगे। दीज आर बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन कॉमनली एसोसिएटेड विद द थ्योरी एंड प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग सर्विंग एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ करंट प्रैक्टिसेज। सर्विंग एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ करंट प्रैक्टिसेज, मतलब जो अभी आज के टाइम पे हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, उसमें जो आपका एक्सप्लेनेशन कैसे देना है, वो कैसे अकाउंटिंग हुआ है, उसका एक जो बेसिक फ्रेमवर्क है वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपका है। यानी कि एक सिद्धांत, जिस सिद्धांत को हम फॉलो कर रहे हैं, वो कह रहा है दे एक्ट एज ए गाइड, गाइड फॉर सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर और कन्वेंशन वेर ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट। जहां पे ऑल्टरनेटिव है, या तो ऐसे ट्रीट करो या वैसे ट्रीट करो, तो हम कैसे ट्रीट करें वो प्रिंसिपल हमें बताता है कि आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करो, इस सिद्धांत को फॉलो करो। समझ लो ना, मतलब जहां पे ऑल्टरनेटिव होगा, ऐसे भी काम कर सकता हूं, ऐसे भी काम कर सकता हूं, मैं क्यों कैसे करूं जी, तो हमने कहा कि भैया आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि देखो एक सिंपल आपके लैंग्वेज में हमें अकाउंटिंग ईयर सिलेक्ट करना है। अकाउंटिंग ईयर, तो अकाउंटिंग ईयर मतलब जो हमें टाइम पीरियड जिसका हमें अकाउंटिंग करना है एक बार में, ये 4 महीने का भी कर सकते हैं, 6 महीने का भी, 8 महीने का भी, 9 महीने का भी, 12 महीने का भी, 15, 2 साल, 5 साल, हम कितने भी समय का ले सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं कितने का लूं, हम चले गए, हमें नहीं समझ में आ रहा कि मैं कितने का लूं, हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल के पास चले गए। वहां पे हमें पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया आप 1 साल का पीरियड को लीजिए, 1 साल का एक बार में अकाउंटिंग कीजिए। तो प्रिंसिपल ने हमें बताया, जहां पे हम हमारे पास डिफरेंट आइडियाज होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, वहां पे क्या तरीका करें, हमें प्रिंसिपल वो बताया। फिर कहता है कि यार ठीक है, अब मैं ये 1 साल का चलो पीरियड लेता हूं, लेकिन 1 साल कब से कब तक लूं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर लूं, फरवरी से जनवरी लूं, मार्च से मैं मार्च लूं, क्या लूं मैं,
तो देखो वो कहता है कि आप जो चाहे वो ले सकते हैं, लेकिन हम लोग फॉलो करते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ये फाइनेंशियल ईयर हम फॉलो करते हैं। किसने बताया? हमें प्रिंसिपल ने बताया। तो प्रिंसिपल क्या है ना कि एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है, एक सेट ऑफ रूल्स है जिनको आज के टाइम में फॉलो करते हैं और वो हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपको बहुत सारी बातें कॉन्सेप्ट वाली ही दिख रही है, कॉन्सेप्ट में भी यही था क्योंकि ऑब्वियस बात है वही होना है, उन्हीं को हमने यहाँ पे प्रिंसिपल में कन्वर्ट किया है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, क्या जी? एक तो दे शुड बी बेस्ड ऑन रियल अजम्पशन, जो रियल चीजें हैं, जो फैक्ट है, जो हम लोग फेस करने वाले हैं प्रॉब्लम, उन्हीं के ऊपर बेस्ड प्रिंसिपल होने चाहिए, यानी कि हवा में उड़ने वाली चीजें है ना। मस्ट बी सिंपल अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सप्लेनेटरी, मतलब सिंपल हो, अंडरस्टैंडेबल हो और एक्सप्लेनेशन के साथ होना चाहिए। फॉलोड कंसिस्टेंटली, जो भी प्रिंसिपल को हम लोग लोगों को बोल रहे फॉलो करने के लिए, वो कंसिस्टेंट बेसिस पे होना चाहिए, यानी कि फ्रिक्वेंटली हम प्रिंसिपल को चेंज कर रहे हैं, दैट इज नॉट गुड, है ना। तो फिर प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या रहा? अगर आज आपका प्रिंसिपल है कि भैया हम सत्य अहिंसा को लेके आगे बढ़ेंगे, कल आप उठे हमने बोला कि जी हम झूठ और हिंसा को आगे बढ़ेंगे लेके बढ़ेंगे, तो फ्रीक्वेंट जब चेंज किया तो फिर प्रिंसिपल उसको थोड़े बोलते हैं। प्रिंसिपल का मतलब दुनिया ऐसी की तैसी हो जाए, इधर की उधर चल जाए, हम अपने प्रिंसिपल पर फोकस रहेंगे, मतलब ये आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए। शुड रिफ्लेक्ट फ्यूचर प्रेडिक्शन, अब फ्यूचर में जो चैलेंजेस आने वाले हैं उनको भी कंसिडर करना होगा अपने प्रिंसिपल के अंदर में, है ना बच्चे। एंड दे शुड बी इंफॉर्मेशनल फॉर यूजर्स, यूजर्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले, ये चीज ऐसा इसमें क्वालिटी होनी चाहिए, है ना, मतलब ये यूजर्स फ्रेंडली आपके होने चाहिए, जो आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स हैं वो इसको प्रॉपर तरीके से यूज कर पाए, समझ पाए, ऐसा आपका होना चाहिए। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। नाउ अकाउंटिंग कन्वेंशन, देखो ना वो कह रहा है दे इमर्ज आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेज कॉमनली नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब कहता है कि जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल से इमर्ज हुआ है, मतलब उससे बना है, adopted by various organizations over the period of time, these conventions are derived by usage and practice, जो आपने continuous principle को use किया, उसके बाद कुछ उसमें modification हुआ, continuous use and practice से आपने इसको derive किया है, it improves quality of accounting information, कोई doubt इसमें? नहीं सर। तो मैं आपको पहले बता दूं, मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि ध्यान रखना, accounting concept ही principle है, ही convention है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम में आज जैसे कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे लिखो नोट, या गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या होता है, या गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या होते हैं, सॉरी कन्वेंशन क्या होता है, दे विल ऑल हैव द सेम मीनिंग एंड सेम टाइप ऑफ आपका एक्सप्लेनेशन, उसमें कोई डिफरेंस ना हो। लेकिन मैं आपको और इनडेप्थ लेके जाना चाहता हूं, मैं पहले मैं आपको एक बार ना एक मैं यहाँ पे एक क्लोज मैं आपको आप सारे बच्चों को मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल कन्वेंशन आज के टाइम पे दे ऑल आर सेम। अगर एग्जाम में आ जाए एक स्टेटमेंट कि ये अलग होते हैं सेम होते हैं क्या, तो हम सेम में टिक मार्क करेंगे। एग्जाम में आ जाए कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है, तो आइडियाज और नोशन जो था। अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस पे बेस्ड हुआ, तो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हुआ, कॉन्सेप्ट से प्रिंसिपल बनाया। कन्वेंशन के इसके ऊपर बेस्ड है, तो प्रिंसिपल के ऊपर, क्योंकि प्रिंसिपल का ही मॉडिफिकेशन करके हमने कन्वेंशन बनाया। ये बातें तो दिमाग में बैठ जाए, लेकिन जब हम कौन से कॉन्सेप्ट है आज के टाइम पे, कौन से प्रिंसिपल है, कौन से कन्वेंशन है, हम जब इनका स्टडी करेंगे तो तीनों में सेम चीज स्टडी निकल के आएगी। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। अगर डाउट है तो मुझे बता दो सर, कैसे बताएं, कैसे? हमें डाउट है सर। अरे काहे का डाउट, कुछ भी नहीं है, बट इनकेस है तो डाउट सेशन टाइम पूछ लो ना, मैं आपको बता दूंगा। गला पता नहीं क्या हो रहा है, बट एनीवे आप आगे बढ़िए मेरे साथ। देखो मैंने अभी एक स्टेटमेंट आपको दिया कि कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल कन्वेंशन सारे सेम है, तो सारे सेम है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आपको बहुत गहराई में लेके जाना चाहता हूं, और मैं ना उसको भी तीन पार्ट में आपको स्टडी कराना चाहता हूं। जरा पढ़ो आगे आपका पॉइंट नंबर ए, बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन, बेसिक एजम्पशन कॉन्सेप्ट, बेसिक एजम्पशन। जब हम बात करते हैं ना एजम्पशन, बेसिक एजम्पशन कॉन्सेप्ट, तो बेसिक एजम्पशन मतलब जो पहले हम एज्यूम क्या करते थे, एजम्पशन किसमें था, एजम्पशन था आपका कॉन्सेप्ट के अंदर में। मतलब आपको कंफ्यूजन ना हो ना, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ। लो मैं एक बार दोबारा, मुझे डर लग रहा है एक्चुअली कि कहीं आप समझ जाओ कि सर अभी तो बोल रहे हैं कि सभी सेम है, तो फिर ये अलग अलग बातें क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअली मैं
अलग अलग बातें नहीं कर रहा हूं, ये देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं, तीन पार्ट में मैं आपको यहां पे स्टडी करा रहा हूं, ए बी सी। एक है बेसिक, शर्म में लिखे नहीं, नहीं लिखना, एजम्पशन, बेसिक एजम्पशन, आगे कुछ अभी नहीं लिखा मैंने। और एक मैं आपको बताना चाहता हूं बेसिक अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स, और एक बताना चाहता हूं बेसिक बेसिक मॉडिफाइंग, मॉडिफाइंग, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स। मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स का मतलब हो गया कन्वेंशंस, एक्चुअली कन्वेंशंस है ना। और एजम्पशन, जब हमारा प्रिंसिपल नहीं था ना बच्चे, तो एजम्पशन थे। एजम्पशन मतलब क्या, जो कॉन्सेप्ट के अंदर में थे आपका, कॉन्सेप्ट के अंदर में। तो बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन में मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे कुछ नाम, मैं ये ले लूं क्या, ब्लैक अच्छा लगेगा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट, सर हम भी लिखे नहीं लिखना, सुनो तो आप, एंटिटी कॉन्सेप्ट आप देखो तो थोड़ा, आप सांस तो ले लो, थोड़ा मैं मेहनत कर लूं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, और फिर मैं आपको बताऊं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट, मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, और चौथा मैं यहां पे आपको नाम दूं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। इसके बाद प्रिंसिपल के अंदर में आपको मैं बताना चाहता हूं बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर में रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं मैचिंग, मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखो मैं यहां पे कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, प्रिंसिपल भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, अब देखो आपको अच्छा लगेगा, मेरी बातें समझ में आएंगी, और दूसरे जो बच्चे हैं ना उनसे तो आप काफी आगे निकल जाएंगे। एंड ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट, ये बातें जो बता रहा हूं बहुत कम लोगों को पता होती है। कौन आपका कन्वेंशन के अंदर मैं आ जाऊं, अगर एक मिनट अभी था वहां पे मैं, वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव, वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, फिर आपका गला पता नहीं क्या हुआ, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट, बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट। और फिर मैं आपके, अगर मैं आ जाऊं कन्वेंशन के अंदर में यहां, तो कन्वेंशन के अंदर में एक आपका मटेरियलिटी, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, फिर आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कह दो, प्रिंसिपल कह दो, कन्वेंशन कह दो, दे ऑल विल हैव सेम मीनिंग। तो ये आपके पास निकल के आए, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म, या फिर प्रूडेंस भी इसको कहते हैं हम, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो एग्जाम में कोई भी नाम आए मीनिंग सेम आपका है, कंजर्वेटिज्म एंड ये। फिर आपका टाइमलीनेस कॉन्सेप्ट, कई सारी बुक में कुछ कम नाम दिए होते हैं, बट मैंने सब कुछ ले लिया जितना आपको स्टडी की रिक्वायरमेंट है। एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट,
नाउ मैं सोचता हूं इसको बंद कर दूं और आप मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे. मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट आपका वो पहला स्टेज था जब तक जब हमारे पास प्रिंसिपल नहीं थे. अब मैं ना आपको जन्म जन्म की बातें बता रहा हूं, पहला जन्म दूसरा जन्म. तो जिस जन्म में मैंने आपको मारा था ना बच्चे, खत्म नहीं किया था क्योंकि आप लोग अलग प्रॉफिट निकाला था, उसके बाद से कॉन्सेप्ट आने शुरू हो गए. कॉन्सेप्ट जिसको कि भैया यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, मतलब सभी उसको फॉलो करें. आप फॉलो नहीं करोगे तो अकाउंटिंग ठीक नहीं होगा. तो पता उस समय कॉन्सेप्ट में हमारे पास एक दो तीन चार कॉन्सेप्ट हुआ करते थे, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट. हम लोगों ने कहा कि भैया जो अकाउंटिंग होगा ना, अकाउंटिंग करते समय ओनर को यानी कि जो कंपनी का मालिक है और कंपनी को यानी कि जो फर्म है एंटिटी है, उन दोनों को हम अलग अलग मानेंगे. आपने देखा होगा अभी तक जितना हमने स्टडी किया, इन दोनों को सेपरेट मानते हुए ही हमने अकाउंटिंग किया मेरे बच्चे. और ये अकाउंटिंग किसके बुक में हमने सीखा है? फर्म के बुक में, कंपनी के बुक में, ना कि ओनर के बुक में. और तभी हमें कहा गया कि ठीक है जी, जब आप किसी एक आदमी के बुक में रिकॉर्डिंग करोगे तो उसके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं ना, सबको अलग मानना होगा, चाहे वो ओनर ही क्यों ना हो. तो हमने ओनर को अलग माना था. जब पैसा ओनर कुछ देता था तो हम कैपिटल कह दिया करते थे, जब बाहर वालों से हम कुछ लिया करते थे तो हम लायबिलिटी कह दिया करते थे, बट हमने दोनों को अलग माना था. तो ये कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारे वो पांचों जो आपके मेरे जो अकाउंटेंट थे ना, जिन्होंने बदमाशी, जिन्होंने प्रॉफिट अलग निकाला था, उनको ये फॉलो करना चाहिए था, है ना. मतलब चलो उस कहानी को हटाओ, आप खत्म करो, मर चुके हैं वो. मैं कह रहा हूं कि ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि आपके एक ऐसे रूल्स थे जिनको सबको फॉलो करना चाहिए था प्रिंसिपल को आने के पहले, और सभी लोग करते थे, तभी अकाउंटिंग कुछ हद तक काम आपका शुरू अच्छा होना शुरू हुआ. तो सेपरेट एंटिटी गोइंग कंसर्न, हम ये मानते हुए अकाउंटिंग करते थे उस जमाने में जब तक प्रिंसिपल नहीं था, कि भैया बिजनेस गोइंग कंसर्न है, चलते रहेगा. हम ये मान के कभी अकाउंटिंग नहीं करते कि बिजनेस 2 महीना 4 महीना 8 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, ये इनडिफरेंट चलेगा. बिजनेस बंद नहीं होगा, भले बंद हो जाए ओनर के मरने के बाद, लेकिन हम ये एजम्पशन जब तक ओनर जिंदा है तब तक यही मानेंगे कि भैया ओनर अलग है, फर्म अलग है, और बिजनेस जो फर्म है वो चलते चला जाएगा. ये अफेक्टेड नहीं होगा विद द डेथ ऑफ द पार्टनर और द शेयर होल्डर, उसे कोई मतलब नहीं है. तभी तो हम लोगों ने क्या किया था जी, गोइंग कंसर्न के चलते हमने सारे जो आपके जो खर्चे हुआ करते थे ना, हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते थे. जो जिन खर्चों का बेनिफिट करंट ईयर में मिलेगा हम उसको एक्सपेंस कहते थे, और जिनका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा हम उसको एसेट्स क्या कहते थे. रेंट पे किया, करंट ईयर का हमने कह दिया एक्सपेंस है. रेंट पे कर दिया, अगले साल का हमने कह दिया आपका प्रीपेड रेंट है बैलेंस शीट में. ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बिजनेस को मानते हैं कि कॉन्टिन्यूस चलेगा, और उस केस में जो आपने इस साल पे किया लेकिन बेनिफिट नहीं लिया, वो आगे आपको मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा. अब ये फ्यूचर को भी फिर क्या हुआ जी, इसी के चलते डिफाइन किया गया कि फ्यूचर करंट एसेट्स का होगा कि फिक्स एसेट्स का होगा. एक साल में बेनिफिट आ गया तो करंट हो गया, अगर अगले एक साल से ज्यादा समय में बेनिफिट आएगा तो फिक्स यानी कि नॉन करंट एसेट्स माना जाएगा. तो ये चीजें क्या है, ये गोइंग कंसर्न एजम्पशन को दिमाग में रखते हुए हम लोग क्लासिफिकेशन करते थे आपका. समझो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूं. एक्चुअली अब यही प्रिंसिपल भी बन गए हैं क्योंकि यही रिटर्न आ चुके हैं, ये और ये सारे अब आपके प्रिंसिपल में ही दिखाई देंगे. क्योंकि आज जो कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हो, आज जो प्रिंसिपल स्टडी कर रहे हो, या आज जो कन्वेंशन आप स्टडी कर रहे हो मेरे बच्चे, वो आज फॉलो हो रहे हैं, और जो हो रहे हैं वही प्रिंसिपल है, वही कॉन्सेप्ट है, और वही कन्वेंशन है आज के डेट पे. मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? लेकिन वो इनिशियली पहले क्या क्या चीज हुआ करता था, फिर बाद में क्या एडिशन हुआ, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और कुछ भी नहीं. तो पहले जब तक प्रिंसिपल नहीं था हमने कहा कि भैया सेपरेट ओनर को अलग मानते हुए एंट्री करो, गोइंग कंसर्न एजम्पशन, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे आप एंट्री करो, मनी मेजरमेंट आप उन्हीं चीजों को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो जो मनी के टर्म में मेजर हो सकते हैं, जो मनी के टर्म में मेजर नहीं हो सकते उनकी रिकॉर्डिंग मत करना, ठीक है ना. और पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट कि टाइम पीरियड को आपको डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करना, वो पीरियड आपका एक साल का हो और एक साल का एक बार में अकाउंटिंग हो, जनरली वो पीरियड आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर के रूप में हम उसको फॉलो करते हैं. ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसपे लोगों को कहा गया था कि अकाउंटिंग फॉलो कीजिए, ठीक है ना. नाउ इसके बाद अब आया प्रिंसिपल. प्रिंस
एक्चुअल इसमें क्या हुआ मेरे बच्चे, इन चारों को तो आपको लिया ही गया, इसके साथ साथ एंड इनके साथ साथ 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 7 7 और ऐड कर दिए गए। जब ये डिफाइंड रूल्स बने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होंगे, जहां पे हमें परेशानी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रेजेंट करें, कोई दिक्कत होती है, तो उनको दूर करने के लिए इनके साथ साथ कुछ और चीजें आई और फिर काम को आगे बढ़ाया गया। अब इसमें क्या था जरा सुनो, उन्होंने कहा रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, मतलब रेवेन्यू यानी कि इनकम को कब माना जाएगा, कब हम मानेंगे कि आपने इनकम अर्न किया। तो क्योंकि अभी हम एक्रुअल बेसिस पर अकाउंटिंग सीख रहे हैं, तो एक्रुअल बेसिस में क्या होता है जी, जैसे ही सर्विसेज रेंडर कर दिया या गुड्स आपने सेल कर दिया, हम मानते हैं कि हमारा रेवेन्यू हो चुका है। इट हार्डली मैटर्स कि मनी हैज बीन रिसीव्ड और नॉट, यही तो प्रिंसिपल है, इसी पे तो अकाउंटिंग कर रहे हैं कि हाँ जी हम मनी मेजर में, सॉरी क्या नाम है ये, रेवेन्यू रिलेशन, रेवेन्यू को कब माना जाए कि रियलाइज्ड हुआ है। ऐसे इस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, AS 9 पढ़ेंगे आप थोड़े बड़े हो जाएंगे तो, है ना। तो अभी हम प्रिंसिपल के अंदर कर रहे हैं कि रेवेन्यू को कब माने कि रियलाइज्ड आपका हुआ है, तो हमें वो प्रिंसिपल बताता है कि भैया एक्रुअल बेसिस है, तो क्योंकि हम एक्रुअल बेसिस को भी फॉलो करते हैं, तो जैसे ही आपका ड्यू हो गया हम उस पे मानते हैं। कैश बेसिस में क्या था, पैसा जब रियलाइज्ड होगा तो आपका, बट अभी एक्रुअल बेसिस की अकाउंटिंग सीख रहे हैं हम पूरा, तो हम एक्रुअल पे फोकस करेंगे। रेवेन्यू इज रियलाइज्ड व्हेन सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड और गुड्स हैव बीन सोल्ड, इट हार्डली मैटर्स वेदर मनी वी हैव रिसीव्ड और नॉट, ठीक है ना। फिर प्रिंसिपल आया मैचिंग कॉन्सेप्ट का। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि आप जब प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, यानी कि आप ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस जब बनाएंगे प्रॉफिट निकालने के लिए, तो आप जब रेवेन्यू यहां रिकॉर्ड करते हो ना, मान लो 5 लाख रुपीज का, इस रेवेन्यू से जुड़े हुए जितने भी एक्सपेंसेज हैं उन सबको यहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा, सबको रिकॉर्ड किया जाएगा, सारे एक्सपेंसेज, वो एक्सपेंसेज जो इनसे जुड़े हुए हैं। मतलब मान लो इस रेवेन्यू को अर्न करने में आपने जो एक्सपेंसेस किए, हो सकता है कुछ पे किया, कुछ पे करना बकाया है, हमें दिक्कत नहीं है, इससे जुड़ा हुआ है हम यहाँ पर दिखाएंगे, जो एक्सपेंसेस इससे जुड़ा हुआ नहीं है उसको हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। जैसे कि मैं बताऊं, आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे मेरे साथ कि जैसे परचेजेज हुआ, हमने एक साल में क्या किया जी, 8 लाख रुपीज के गुड्स को परचेज किया, लेकिन सारे गुड्स इसमें यूज नहीं हुए, इनमें से अभी कहता है कि 3 लाख रुपीज के जो गुड्स है ना अभी बच गए, उनको हमें अभी तक सेल नहीं किया, वो आगे यूज किया जाएगा, तो कहते ठीक है जी वो इसमें से हटा दो, वो क्लोजिंग स्टॉक है। और हटाने के लिए मेरे बच्चे या तो यहीं से माइनस करो या फिर दूसरे साइड लिख दो क्लोजिंग स्टॉक आपका, जितना भी मान लो 3 लाख रुपीज का अमाउंट है। तो ये आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट ही तो अलाउ करता है कि जो भी आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया हुआ है उसी से जुड़ा हुआ आपको एक्सपेंस दिखाना है। अगर कुछ खर्चे, कुछ एक्सपेंस ऐसा रिकॉर्ड कर दिया जो अभी तक इसमें कन्वर्ट नहीं हुए तो आप इसमें से हटा दो, तो या तो यहां लिखो या फिर क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख रुपीज माइनस करके आप परचेज का एक्सपेंस कितना, सिर्फ 5 लाख रुपए दिखाओ। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है, मैचिंग ऑफ कॉस्ट विद द रेवेन्यू, रेवेन्यू को कॉस्ट से मैच करना कि जो रेवेन्यू है जो सेल्स है उसी पे जुड़े हुए खर्चों को आपको दिखाना। कोई डाउट इसमें, तभी तो मैं आपको बताऊं इससे और भी कुछ आपको फायदा, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, वो भी इसी के चलते है आपका। अब देखो मैं क्यों बताऊं, जैसे मशीन कोई परचेज कर लिया 5 लाख रुपीज का, मशीन 10 ईयर्स तक यूज होगा, तो मशीन की सारी कॉस्ट हम यहां पे थोड़े दिखाएंगे, वो 10 साल तक यूज होगा जी। इसमें जितना उसने इंपैक्ट डाला हुआ है, यानी कि इस साल जितना मशीन यूज हुआ ना उतना ही खर्च यहाँ पे दिखाएंगे, तो मशीन पे हम डेप्रिसिएशन जो इस साल यूज किए उसको एक्सपेंस के रूप में दिखाते हैं। दिस इज मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग ऑफ कॉस्ट विथ रेवेन्यू। कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं सर, ये प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, ये हमारा प्रिंसिपल है मेरे बच्चे, कहा गया कि जितने भी आपके इंफॉर्मेशन हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन अकाउंट्स के अंदर में जिनको फाइनेंशियली मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, दे ऑल शुड बी डिस्क्लोज्ड। अगर आपको अकाउंट को, अपने अकाउंटिंग को, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ज्यादा फ्रूटफुल बनाना है, फेथफुल बनाना है, आपका क्या बोलते जी, सच्चा बनाना है, तो उस केस में आपको सारी बातें डिस्क्लोज करनी होगी। अब आपने क्या किया कि मान लो कि खर्चे किए, रेंट सैलरी पता नहीं कितने कितने बहुत सारे, कुछ खर्चे आपने रिकॉर्ड ही नहीं किए, या रेवेन्यू सेल्स किया आपने 5 करोड़ रुपए का और आपने रिकॉर्ड किया 3 करोड़ रुपए का, 4 करोड़ रुपए का, 4.5 कुछ भी आपका, तो इससे थोड़े फुल डिस्क्लोजर हुआ, फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए।
क्लियर ना। तो ये कहता है कि एक एक आइटम को आपको डिस्क्लोज करना अकाउंटिंग में। अब कैसे डिस्क्लोज करना है वो आप सीखेंगे जब जैसे जैसे अकाउंटिंग सीखते जाएंगे, बट फुल डिस्क्लोजर। डुअलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है डुअल एस्पेक्ट, कि भैया आप जितने भी अकाउंटिंग करोगे वो डुअल एस्पेक्ट को फॉलो करना है। डेबिट और क्रेडिट आपका बराबर होना चाहिए जो हम अकाउंटिंग करते हैं, दैट बिकम्स प्रिंसिपल ना जो हम फॉलो कर रहे हैं मेरे बच्चे। वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, जितने भी ट्रांजेक्शन आपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए हैं दे ऑल शुड बी सपोर्टेड बाय द वेरीफेबल डॉक्यूमेंट्स। मतलब उनको प्रूफ करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे कि आपने कोई सेल किया, परचेज किया है, तो इनवॉइस, कैश मेमो, आपका वॉचेस, ये सब आपके पास होने चाहिए, सोर्स डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं। कल को मान लो कोई इंक्वायरी बैठती है तो उनको प्रॉपर तरीके से चीजें वो मिल जाए आराम से। तो वेरीफेबल मतलब हर एक ट्रांजेक्शन वेरीफाइड होना चाहिए, इस प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट मतलब कि आप कोई अगर एक्सपेंस को कोई एसेट्स को रिकॉर्ड करते हो, कोई आपने फिक्सड्स परचेज किया है, तो हम उसको कितने पे रिकॉर्ड करें। मान लो एक मैंने मशीन परचेज किया, मैंने 4 लाख का पेमेंट किया, लेकिन जो मशीन मैंने परचेज किया ना वो कोरोना वाले टाइम पीरियड में, जहां पे मतलब सब लोग कोई कुछ कई लोग हैं जो सामान अपने बेचना चाहते हैं, उनका बिजनेस नहीं चल रहा था, तो जो 10 लाख का मशीन था मैंने 4 लाख में परचेज कर लिया, निडी था बंदा, उसको बेचना था, मैंने खरीद लिया। तो मैं उस मशीन को बुक में कितने में दिखाऊं, 4 पे कि 10 पे दिखाऊं। तो हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट कहता है कि भैया एसेट्स को आपको एक्चुअल कॉस्ट, जितना अमाउंट आपने पे किया उसी पे आपको दिखाना है ना, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट आपका हो गया। हाँ, इसके कुछ एक फिर आगे होता है कि तो चलो आज हमने रिकॉर्ड कर लिया, फिर हम बाद में फ्यूचर में एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं जी, उसका क्या करेंगे, तो पढ़ेंगे हम, बड़े हो जाएंगे। तो A10 जहाँ पे प्रिंसिपल के बाद आते हैं स्टैंडर्ड और इनडेप्थ जाने के लिए, और उसके अंदर में गहराई में उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम वहां सीखेंगे। अभी तो बहुत छोटे बच्चे हैं यार, इतनी सारी बातें पढ़ा दूं तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट में मतलब कि व्हेनेवर वी परचेज एनी एसेट दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट इट्स एक्चुअल कॉस्ट, व्हाटएवर वी हैव पेड, वो आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट जाता है। एंड बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट मतलब जो बैलेंस शीट बनेगा आपको इस तरीके से बनाना है कि एक तरफ आपका जो एसेट्स है और एक तरफ आपका कैपिटल लाइबिलिटी, दोनों आपका चले। मतलब बैलेंस शीट बनाने का आपको फॉर्मेट में नहीं बता रहा, बट वो कह रहा है कि एक तरफ एसेट्स दिखाओ, एक तरफ कैपिटल लाइबिलिटी। तो ये हमें बताया गया है प्रिंसिपल के द्वारा। तो ध्यान रखना, कोई पूछे कि जरा बताओ जी अकाउंटिंग आपको अगर बोलते बेसिक एजम्पशन कॉन्सेप्ट में कौन कौन से नाम आते हैं। मान लो इन डेप्थ कोई क्वेश्चन आ गया और पूछ दिया कि जरा बताओ बेसिक एजम्पशन कॉन्सेप्ट के ऊपर राइट ए शॉर्ट नोट्स, या बताओ इसमें कौन कौन से आइटम होते हैं, MCQ आ गया, तो फिर तो हमें सिर्फ 4 नाम को ही बताना पड़ेगा। इनडेप्थ अगर एग्जामिनर के पास दिमाग होगा और अगर वो आपको सचमुच में कोशिश करेगा कि इन बच्चों को फंसाऊं, तो उस समय आप नहीं फंसने वाले, ये 4 नाम ही आपका बेसिक एजम्पशन कॉन्सेप्ट के अंदर में आएंगे। क्लियर ना, अगर वो बोलते इस नाम को लेकर, तो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर में वो पूछ दे आपको, तो ये नाम आपके आएंगे। ये प्रिंसिपल्स बने कॉन्सेप्ट के बाद, ये नो डाउट कि आज के टाइम पे प्रिंसिपल में ये भी है और ये भी है, लेकिन अगर वो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पूछता है, बेसिक अकाउंटिंग वर्ड लगा देगा, तो फिर ये नाम उसमें कवर किए जाएंगे, ठीक है ना। और अगर वो कन्वेंशन पे आओ, तो मेरे बच्चे अब कन्वेंशन का मतलब कि ये एंड ये मतलब अब ये सभी कन्वेंशन, मतलब जो एक्चुअली जो लाइफ में यूज हो रहा है, हम इसको भी यूज कर रहे हैं, इनको भी यूज कर रहे हैं, इनको भी यूज कर रहे हैं, तो ये आपका निकल के आएगा। बट एग्जाम में अगर बोल दे कि बेसिक मॉडिफाइंग प्रिंसिपल बताओ कौन कौन से हैं, या बेसिक बोल दे कि कन्वेंशन बताओ कौन कौन से हैं, तो 1 2 3 4 5 ये बहुत डिटेल में जा रहा हूं मैं, आपको बता दिया, बहुत छोटे बच्चे हैं, तो आपके लेवल में इनका अलग अलग एक्सप्लेनेशन पूछना चांसेस मतलब सिर्फ 0.5% या 1% है। लेकिन मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कल को अगर कोई मान लो कि कोई इंसान मिल जाए और कहे कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूं जी अकाउंट्स का, और बताओ जरा अकाउंटिंग पहले जो स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट वो कौन कौन से थे, फिर प्रिंसिपल में क्या क्या ऐड हुए, फिर कन्वेंशन में क्या क्या ऐड हुए, तो आप उनको बता देना। वो फिर से पूछने का, क्या ये जो है अब आपका प्रिंसिपल के अंदर नहीं आता, बोलता कि आता है, क्योंकि प्रिंसिपल में ये और प्लस ये आपके हो गए, तो पूछ दे कि कन्वेंशन में क्या क्या होगा, बोलना कि ये और ये, फिर बोले कि ठीक है आप मुझे ये बताओ कि आज के टाइम पे कन्वेंशन कौन कौन से हैं, तो ये भी सबका नाम बताएंगे।
वो पूछते कि आज के टाइम पे कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन कौन है आज के टाइम पे, ये सारे हैं मेरे बच्चे सारे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया एक ही लाइन में बोलकर कि जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंसिपल है, जो कन्वेंशन है, जो आज मार्केट में चल रहा है, जो आज हम फॉलो कर रहे हैं, वही स्टडी कर रहे हैं। दोबारा स्टेटमेंट देता हूं, दोबारा स्टेटमेंट, आप कंफ्यूज नहीं होना। कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, कन्वेंशन, आज जो भी स्टडी कर रहे हो अपने बुक के अंदर में, मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, सारे प्रिंसिपल हैं, सारे कन्वेंशन हैं। मैंने इनको तीन पार्ट में इसलिए डिफाइन कर दिया कि इनका कैसे कैसे ग्रोथ हुआ, पहले क्या क्या बने थे कॉन्सेप्ट के अंदर में, फिर प्रिंसिपल्स में और नए नए क्या एडिशन आपके हुए हैं, फिर कन्वेंशन में और नए नए क्या एडिशन, वो सिर्फ बताना चाहता हूँ और कुछ दूसरा मोटिव नहीं मेरे बच्चे। तो मैंने आपको अब मैंने ये अब कन्वेंशन पे आइए, देखते हैं कि अब इनमें और नया नया क्या मॉडिफिकेशन किया गया, नई बातें और क्या ऐड की गई, क्या क्या चीजें और हमें नजर आया कि यार ये भी होना चाहिए जिसको हमने ऐड किया। तो कहते हैं मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। सर ये मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ये बच्चे आज के टाइम पे ना और मैक्सिमम लोग इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, आप वो काम नहीं करेंगे मेरे बच्चे। मटेरियलिटी कहता है कि जितने भी मटेरियल्स, मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, माफ कीजिए आइटम्स हैं, इंफॉर्मेशन हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपको उसको डिस्क्लोज करना है। तो जब हमने कहा कि जितने भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको आपको डिस्क्लोज करना जी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो यहां पे एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, पता किसके ऊपर में, फुल डिस्क्लोजर में और इसके अंदर में। ये तो कह रहा था कि भैया एक एक आइटम डिस्क्लोज करो, और आपको यहां कहा जा रहा कि नहीं जी जो इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ उन्हीं को डिस्क्लोज करो। तो हम दोनों का कैसे कैसे चीजों को समझे, मैं आपको बताना चाहता हूं एक्चुअली दोनों क्या है। जब फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल था ना, जब मतलब कन्वेंशन नहीं हुए थे, तो हमने क्या किया जी, जैसे मान लो हमने मार्कर परचेज किया, जैसे मान लो हमने मार्कर के बाद कुछ छोटे छोटे पेन परचेज किए, हमने ये जो देख रहे हो आप ये अब मार्कर का इंक होता है ये भी परचेज किया। तो अकाउंटिंग पहले क्या करते थे कि इंक को अलग मैं दिखाऊं, पेन को अलग दिखाऊं, पेंसिल को अलग दिखाऊं, मार्कर को अलग दिखाऊं, आपका क्या बोलते वो डस्टर को अलग दिखाऊं, ऐसी अकाउंटिंग होती थी। तो हमने कहा कि ये गलत है, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि आप छोटे छोटे आइटम्स जो हैं उनको भी तो फिर कितना बड़ा अकाउंटिंग हो जाएगा, और पिछली क्लास में पढ़ाया था अकाउंटिंग इज एन आर्ट। तो अकाउंट्स ने कहा कि देखो जी आप एक काम करो, ये छोटे छोटे जो आइटम्स है ना, दो दो चार चार पांच पांच रुपए का अलग से डिस्क्लोज करने के बजाय आप इसको ग्रुप कर दो, और स्टेशनरी होता ना प्रिंटिंग स्टेशनरी उसके नाम से दिखा दो क्या जाता है इसके अंदर में। तो प्रिंटिंग स्टेशनरी के अंदर क्या क्या आइटम है उसको अलग से रिकॉर्ड रखो, क्योंकि फुली डिस्क्लोज करना है। लेकिन ऑन द फेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप मटेरियल्स आइटम को डिस्क्लोज करो। समझ मेरी बात, ध्यान देना दोबारा कि जैसे ये मैं अपनी बात करता हूं, मेरे पास कोई एक बना के प्रॉफिट लॉस लेकर आता है और उसमें लिखा हुआ है जी कि रेंट पे किया 10 लाख रुपए, सैलरी पे किया 50 लाख रुपए, हमने सपोज दैट क्या बोलते हैं एडवर्टीजमेंट कराया 70 लाख रुपए, बड़े बड़े खर्चे लाखों में, और लिखा हुआ है एक खर्च किया हमने 5 रुपए का, एक खर्च किया 2 रुपए का, एक 3 रुपए का, कितना गंदा लगेगा। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग कहा कि नहीं जी फुल डिस्क्लोजर तो है ही, लेकिन आप मटेरियलिटी को फॉलो कीजिए, मतलब डिस्क्लोज करते समय आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको तो सेपरेटली आपको डिस्क्लोज करना ही करना, लेकिन जो छोटे छोटे आइटम्स हैं ना उनको क्लब करके मटेरियल बना के, मतलब एक आइटम अच्छा बना के आप उसको डिस्क्लोज कीजिए, ये होता मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, इसने हमें अलाउ किया। तभी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था लिमिटेशन में कि भैया कन्फ्लिक्ट करते हैं, एक्चुअली कन्फ्लिक्ट नहीं करते मेरे बच्चे, दोनों का मकसद अलग अलग है एक्चुअली, है ना। दोबारा सुनिए, फुल सबका डिस्क्लोजर करना है, ये कहता है कि डिस्क्लोज करो ना, कहां रोक रहा हूं, लेकिन मटेरियल बना के मतलब ऐसा बना दो उसको, ऐसे जो कि देखने में और समझने में हमें रिक्वायरमेंट हो ना। मटेरियलिटी का दूसरा को मैं फिर से समराइज करता हूं, मटेरियलिटी का मतलब कि जो छोटे छोटे खर्चे हैं जिनका हमें मैनेजमेंट को उससे कोई मतलब नहीं है। मैनेजमेंट को मतलब क्या है, वो बड़ा टोटल कि भैया प्रिंटिंग पे कितना टोटल खर्च किया, स्टेशनरी पे टोटल कितना आपने खर्च किया, वो मैटर होगा, तो उसको तो डिस्क्लोज करना ही करना है। आप वो दिखाइए प्रिंटिंग, वो दिखाइए स्टेशनरी। अब प्रिंटिंग के अंदर क्या क्या खर्च हुआ वो मैनेजमेंट को मतलब नहीं है, वो तो जो मेरा पेटी कैश मैनेजर है उसको, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है।
तो पेटी कैश मैनेजर जो है ना, उसके पास वो डिटेल होगा कि भैया यहाँ यहाँ खर्च हो रहे हैं, मुझे कंट्रोल करना, ज्यादा खर्च हो रहा है, कम खर्च हो रहा है। लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हम मटेरियलिटी को फॉलो करेंगे। बात समझ आ रही है? तो ये आपका दोनों का मतलब, मैं आपको अभी बुक से ही पढ़ाऊंगा बट मैं आपको समझाया जा रहा हूँ। तो एक्चुअली इसका कन्वेंशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ है ना बच्चे। नाउ कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि भैया आप जो भी, जैसे रेवेन्यू रिलेशन कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, मैंने बताया था इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, एक्रूअल है, कैश है, हाइब्रिड है। आप यहाँ पे हमने क्या बोलते हैं जी, और आप आ जाइए यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट में, कॉस्ट पे हम रिकॉर्ड, बहुत सारी बातें होती हैं। तो कहता है कि जो भी आप कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हो ना, वो आपका कंसिस्टेंट बेसिस पे होना चाहिए। आप फ्रिक्वेंटली उसको चेंज नहीं करेंगे, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, डेप्रिसिएशन निकाला कभी SLM से फिर निकाल दिया, WDV से फिर कभी, ऐसा नहीं करना। जो रूल फॉलो करना है कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको फॉलो करना है, ये हमें ये बोलता है कंसिस्टेंसी। समझो मेरी बात ना, कन्वेंशन सही, डेवलपमेंट हुआ जो, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है अपने प्रिंसिपल के अंदर में। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिव हो जाओ, ये हमें कहता है कि देखो जी, अगर फ्यूचर में कोई लॉस आपको होने वाला है, आप उसकी आज ही रिकॉर्डिंग कर लो, आप उसी को आज ही उसको आप लॉस मान लो, अगर आप श्योर हो कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो। लेकिन फ्यूचर में कोई गेन होने वाला है तो गेन को आपको आज रिकॉर्ड नहीं करना। कंजर्वेटिव होता है जी घाटे को लेकर, फायदे को लेकर नहीं, वो कहता है कि लॉस होने वाला फ्यूचर में आप आज रिकॉर्डिंग कर लीजिए, लेकिन फ्यूचर में गेन होने वाला है तो फिर आज रिकॉर्ड नहीं करना है, जब गेन होगा तब रिकॉर्ड करना, जब एक्चुअली फायदा हो जाएगा। कंजर्वेटिव रहो ना, कंजर्वेटिव इंसान घाटे को लेकर बहुत आपका कॉन्शियस होते हैं, फायदे को लेकर नहीं। तो आप देखो, मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ, आप बना तो आप पढ़ेंगे मेरे साथ अभी आगे में, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना, वहां पे सिखाऊंगा या आपने सीखा होगा कि अगर हमें लगता है कि डेटर्स का कुछ पैसा आगे डूब जाएगा, मतलब हमारे जो डेटर्स है उनसे कुछ पैसा हमें फ्यूचर में नहीं मिलेगा और उसका हम एस्टिमेट लगा सकते हैं, तो उस एस्टिमेट को हम इस साल ही प्रॉफिट लॉस में खर्च के रूप में दिखा देते हैं। यह हमें कौन कहता है? कंजर्वेटिज्म। आप पढ़ेंगे या पढ़े होंगे कि इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक जो होता है, स्टॉक, हम स्टॉक का मेजरमेंट करते हैं बच्चे कॉस्ट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस, ऐसे NRV होता है बट आपके सिंप्लिसिटी के लिए मार्केट प्राइस लिख रहा हूं, विच एवर इज लोअर। ये भी आपका प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अलाउ करता है, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। मैं इसका मतलब बताता हूं, एक स्टॉक को बनाने में मान लो 5 लाख रुपीज लगा, मतलब उसकी कॉस्ट 5 लाख है, और मार्केट प्राइस अगर उसको बेचूं तो मुझे 6 लाख रुपीज मिलेगा, तो जरा बताओ अगर बेचूंगा तो फायदा हुआ कि घाटा हुआ? सर फायदा होगा, 5 लाख का सामान 6 में बेचोगे, हम बोलते हैं फायदे को आज रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो स्टॉक हम कितने पे दिखाएंगे? 5 लाख पे, मतलब कॉस्ट पे। लेकिन अगर मान लो मार्केट प्राइस 5 से घट के 450 हो गया, कुछ भी रीजन हो सकता है, सिचुएशन खराब हो गया, कोरोना आ गया, कोई लेने को तैयार नहीं है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, डिमांड खराब हो गया, कस्टमर के पास पैसे नहीं है, कुछ भी हो सकता है, हमें लगता है कि भैया कॉस्ट 5 है और मार्केट प्राइस 450, मतलब बेचूंगा तो 450 मिलेगा, तो हमारा कहते हैं भैया कि आप ये कॉन्सेप्ट कहता है जी कि भैया आप इसको लोअर यानी कि 450 पे दिखाओ, 5 लाख पे नहीं, 450 पे, मतलब 5 लाख जिसको बनाने में लगा अगर बेचूंगा तो 450 मिलेगा, तो कहते हैं कि 50 आज ही लॉस मान लो और आप इसको 450 पे दिखाइए, ये हमें कंजर्वेटिज्म अलाउ करता है। तो मेरे बच्चे, एंटीसिपेटिंग फ्यूचर लॉस एंड रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। एग्जाम में से दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है, तैयार रहना, क्लियर ना? तो ये हमें कंजर्वेटिज्म आपको यहाँ पे अलाउ करता है। टाइमलीनेस कॉन्सेप्ट, मतलब कि आप अकाउंटिंग टाइम बेसिस पे करो, टाइमली बेसिस पे, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उसी दिन रिकॉर्ड करो, ऐसा नहीं कि हम 10 दिन के बाद या 20 दिन के बाद हम उसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, या फिर आज मन नहीं कर रहा जी, या फिर आज मुझे दोस्त से झगड़ा हुआ है, मैं अगले साल उसका रिकॉर्डिंग करूंगा, ये नहीं। टाइमलीनेस, प्रॉपर टाइम बेसिस पे रिकॉर्डिंग, टाइम बेसिस पे अकाउंट का फाइनलाइजेशन, सब कुछ टाइम बेसिस पे होना चाहिए। एंड इंडस्ट्री प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट, आप इंडस्ट्री से अलग नहीं हो, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन के अंदर मेरे बच्चे बहुत सारी कंपनीज हैं, उन बहुत सारी कंपनी में एक COC एजुकेशन भी है, तो COC एजुकेशन जब अपनी अकाउंटिंग करेगा तो उसी प्रैक्टिस को फॉलो करे जो इंडस्ट्री में बाकी लोग करते हैं,
इंडस्ट्री मतलब एज ए ग्रुप उस एजुकेशन एजुकेशन इंडस्ट्री होता है, स्टील इंडस्ट्री होता है, मतलब हर एक प्रोडक्ट का एक अपना इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री में जो बाकी लोग जिस तरीके की अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं वही आपको भी करना चाहिए, ना कि उससे हटके करना चाहिए। अब एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि सर बाकी सब लोग गलत कर रहे हैं तो हम भी गलत करें क्या? बात वो नहीं है, बात यहाँ पे जनरेशन का कि जब सभी लोग एक काम कर रहे हैं तो वो सही काम कर रहे हैं, मतलब इसी वो भी काम प्रिंसिपल से हटकर नहीं करेंगे। लेकिन जैसे अब मैं आपको बताऊं, सुनना मैं आपको बताना चाहता हूं एक्चुअली, जैसे आप पढ़ेंगे A10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डेप्रिसिएशन के ऊपर में, फिक्सेड्स के ऊपर में, तो वहां पे कहा गया कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड है, एक SLM एक WDV, ऐसे तीन है उसके अंदर में, बट मैं अभी दो ही लेके चलता हूं क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं। तो SLM WDV चलो प्रोडक्शन यूनिट मेथड, तीन मेथड ले लेता हूं, तीन मेथड आपका है ना, तीन में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं कौन से मेथड को सिलेक्ट करूं? कहते हैं कि वही मेथड सिलेक्ट कीजिए अगर आपको चॉइस है तो जो इंडस्ट्री के बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा? इंडस्ट्री के फिगर से आप अपने आप को ठीक से कंपेयर कर पाओगे, इंफॉर्मेशन जो उनके हैं और आप हैं वो एक दूसरे को आप देख सकते हो क्या गलत क्या दिक्कत हो रहा है, मतलब आप कंपेरिजन जो है एनालिसिस जो है बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो ये कन्वेंशन डाले गए आपके, तो ये बातें आपको ही समझाई गई है। इस पे MCQ क्वेश्चन आते हैं, मैं भी कराऊंगा भी आपके साथ, इस पे फुल फ्लेज क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, मतलब आपको यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। तो मैंने कहा कि एक बार दोबारा, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों क्यों लग रहा है कि आपके वो जो एक है ना वो खुराफाती दिमाग उसमें मुझे कहीं गलत साबित ना कर दे किसी और के सामने। तो मैं आपको बता दूं दोबारा, आज के टाइम पे जितने भी कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं दे आर प्रिंसिपल्स, दे आर कन्वेंशंस, मतलब दे ऑल विल बी कवर्ड अंडर इधर कॉन्सेप्ट, इधर कन्वेंशन और द प्रिंसिपल। अगर आज राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एवरीथिंग यू हैव टू राइट, सब कुछ लिखना है आपने। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन, सब लिखना है आपने। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, सब लिखना है। मैंने तो कहा कि भैया अगर इनकेस एग्जामिनर और गेम खेलने की कोशिश करे और जानना चाहे कि क्या ये बच्चा सचमुच में संतोष सर से पढ़ा है क्या, तो हो सकता है पूछ दे कि भैया बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताओ, तो ये चार आपके हैं। पूछ दे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताओ, तो फिर आपको ये बताने हैं, और बेसिक मॉडिफाइंग प्रिंसिपल यानी कि कन्वेंशन बताओ, तो फिर ये बताने हैं। अदरवाइज नॉर्मल क्वेश्चन में हम पूरा लिखेंगे। क्लियर ना? सबका मीनिंग बता दिया, हर एक चीज आपका। अब मैं चाहता हूं कि एक बार बुक से हम लोग इस चीज को स्टडी कर लें। सर लिख लें, लिख लेना आप, ऐसे मैंने आपको वीडियो में दिया हुआ है, लेकिन आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख लो, एक जगह मिल जाएगा क्योंकि वहां पे एक्सप्लेनेशन के साथ है, यहां पे एक साथ आपको दिख जाएगा और कुछ खास रीजन नहीं है, ठीक है ना? आप लोगों के साथ बहुत चिल्लाना पड़ता है मुझे एक्चुअली। जब मैं CA CMA फाइनल के बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, CFR उनमें है आपका, जब आप बड़े हो जाएंगे तो पढ़ेंगे मेरे साथ, तो वहां पे मजा आता मुझे, वहां पे ज्यादा समझाने की चीज ही नहीं है, आप बहुत मेच्योर्ड, आपकी दाढ़ी मुझ पता नहीं क्या क्या बाल कितने कितने बड़े बुड्ढे हो गए रहते हैं आप, तो वहां कुछ भी समझा सकते हो आराम से समझ आते, बट यहाँ पे चिल्लाना पड़ता आपके साथ। चलो एनीवे, आप आइए बुक के अंदर में, अब हम शुरुआत करते हैं इन्हीं तीन पार्ट में। मैंने पहले आपका बेसिक एजम्पशन में सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कह दे, एंटिटी कॉन्सेप्ट कह दे या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कह दे, तीनों का मीनिंग सेम है। जब मुझे लगता है कि मैं थक रहा हूं ना, तो मैं इस अमृत को पीता हूं। इसकी एक घूंट पीने के बाद मैं 15 से 20 दिन तक बिना खाना पानी के रह सकता हूं, एक घूंट पीने के बाद। दो घूंट पीने के बाद मैं 15 से 20 महीने तक बिना खाने के रह सकता हूं, और तीन के बाद तो फिर मुझे पूरे लाइफ टाइम खाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या है मैं आपको नहीं बताऊंगा, कृष्ण भगवान ने मुझे दिया है, कृष्ण भगवान ने। आप आओ ना मेरे साथ पढ़ो ना एक बार, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट मैंने तभी लिख दिया वहां पे नंबर ए में, बेसिक अकाउंटिंग बेसिक एजम्पशन कॉन्सेप्ट कह दे, प्रिंसिपल कह दे, कन्वेंशन, सबका मीनिंग सब में कवर्ड होगा। यानी कि नंबर वन सेपरेट एंटिटी में क्या बता रहा जी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कंसीडर बिजनेस एंटरप्राइजेस एज ए सेपरेट एंटिटी एंड हैविंग सेपरेट आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। मैंने बताया है, आप जानते भी हैं इसके बारे में। कहता है आगे, सॉरी,
Therefore, business transactions are recorded in the books of accounts from business point of view and not from the owner. Therefore, amount invested by owner into the business is also treated as liability for the business. कौन सी liability? Internal. जो बाहर वालों ने दिया हम उसको external liability बोलते हैं, अंदर जो दिया उसको हम मतलब owner जो दिया उसको internal liability मतलब capital कहते हैं. Now, going concern कहता है कि according to this concept, it is assumed that enterprise will continue its operation for indefinite period of time. It is assumed that an enterprise neither has intention nor the need to liquidate, मतलब बंद करना, or wind up, मतलब बंद करना, and curtail its scale of operation, और curtail मतलब छोटा करना अपने, हम ये assume करेंगे कि वो अपना operation को भी छोटा नहीं करने वाले हैं, बंद भी नहीं करने वाले, वो business चलते चला जाएगा. It is because of this concept a distinction is made between asset and expense, fixed and current assets and current. अभी मैं बता रहा था आपको इसी के चलते fixed और जो एक साल से ज्यादा समय में current assets एक साल के अंदर में और इस साल जिसका benefit उसको हम expense मानते हैं, same चीज liability के साथ and income के साथ. Now money measurement concept. According to this concept, only those transactions which can be expressed in money should be recorded in the books of accounts. Transaction event that cannot be expressed in money are not recorded in the books of accounts, even if they are very useful or affect the business. ये तो आप जानते हैं. Periodicity concept कह दे या accounting period concept कह दे. According to this concept, the life of an enterprise is broken into smaller period so that its performance can be measured at a regular interval. Generally, 1 year period is taken for the performance measurement and appraisal of the financial position. Appraisal मतलब judge करना कि analysis करना, interpret करना कि हमने ठीक किया कि नहीं किया, है ना? काम हमारा कैसा गया? So the life of the enterprise is divided into a smaller period, usually 1 year, which is termed as accounting period. क्या बोलते हैं? Accounting period is एक साल के period को. At the end of accounting period, we prepare financial statements. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आते हैं, तो हमने कहा था प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और फिर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट. सिर्फ प्रॉफिट लॉस इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्चुअली आप सोल प्रोप्राइटर में पार्टनरशिप में तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जब आप कंपनी की अकाउंटिंग सीखोगे तो वहां पे कंपनी एसपीएल बनाती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, मतलब सिर्फ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वहां ट्रेडिंग अकाउंट कुछ नहीं है. बट आप लेके चलना कि यहां पे जहां भी प्रॉफिट लॉस कह रहा हूं तो छोटे छोटे कंपनी फॉर्म में एक्चुअली वहां पे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट है. नाउ एक्रूअल कॉन्सेप्ट. एक्रूअल लिखा था ना मैंने यहाँ पे, अच्छा नहीं लिखा था क्या, सॉरी, एक पांचवा यहां पे था जी, एक्रूअल भी कॉन्सेप्ट, ड्यू बेसिस. मतलब कहता है कि एक्रूअल मींस रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस एज दे आर अर्नड और इनकर्ड एंड नॉट व्हेन द कैश और मनी हैज बीन रियलाइज्ड. मतलब इनका रिकॉर्डिंग हम कब करते हैं, जब वो इनकर्ड हो चुके हैं, एक्सपेंस से जब हो चुके हैं, कब, जब बेनिफिट ले लिया, मैंने आपको बताया हुआ है, और रेवेन्यू कब, जब सर्विसेज रेंडर कर दिया, पैसा कब आया कब नहीं उससे मतलब नहीं है. कहता है रेवेन्यू मीन्स ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल्स या अदर कंसिडरेशन अराइजेज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. कहता है रेवेन्यू का मतलब ग्रॉस इनफ्लो, पैसे का ग्रॉस इनफ्लो आना, क्या जी, या तो कैश का या रिसीवेबल का, मतलब डेटर्स हो गया, बीआर हो गया, या कोई और कंसिडरेशन, कुछ और भी हो सकता है कि हमने सेल किया और कहते हैं भैया पेमेंट ना, आप हमें अपना एक मशीन दे दो पेमेंट के रूप में, तो कुछ भी हो सकता है. फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, यूजिंग अदर एंटरप्राइजेज रिसोर्सेज, यील्डिंग इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड डिविडेंड. एक्सपेंसेज आर कॉस्ट रिलेटिंग टू रेवेन्यू अर्नड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड. जो आपने रेवेन्यू अर्न किया उस साल में, उससे जुड़े हुए खर्चे जो होंगे उसको हम एक्सपेंस का नाम देते हैं. मैंने ये सब जानते हैं आप. नाउ अगला बी में आइए, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन के अंदर में. तो एक्चुअली बेसिक अकाउंटिंग ही प्रिंसिपल्स हैं, है ना. मैंने पहले, अगर आपके बुक में पहले कॉन्सेप्ट होगा तो पहले प्रिंसिपल मानना, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फिर वहां पे कॉन्सेप्ट, मैंने कर दिया कॉन्सेप्ट, और फिर आपका कन्वेंशन, ठीक है ना. तो मतलब है सभी. रेवेन्यू रिलेशन में कहता है दिस स्पीक्स अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच आर एक्चुअली रियलाइज. फॉर एग्जाम्पल सेल विल बी टेकन इन टू अकाउंट ओनली वेन कैश इज रिसीव्ड और लीगल ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड. अब देखो एक्चुअली रियलाइज का मतलब कैश आना नहीं, मतलब जब आपका सेल हो चुका, तब सेल कब हो चुका, कहते या तो पैसा आ चुका है या लीगल ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है.
हमने आपको ये दे दिया कि भैया लो जी अब आपका है, मैंने इनवॉइस काट के आपको दे दिया, मैंने इनवॉइस काट के आपको दे दिया, तो अब ऑनरशिप आपके नाम पे चला गया, तो पैसा आ गया तो भी ठीक है, या फिर ऑनरशिप ट्रांसफर यानी कि पैसा बाद में दोगे तो भी ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। तो रिलेशन कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट में फॉर एसर्टेनिंग प्रॉफिट लॉस फॉर ए पीरियड एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। मैंने आपको बताया था यहाँ पे ऊपर में शायद ये वाला चीज है ना, कहाँ गया, यहाँ बनाया था ना ये वाला आपका। In financial statement, it is necessary to match revenue of the period with the expenses of that period to determine correct profit loss. ये सब जानते हैं आप। Full disclosure में मैंने बता दिया, as per this concept, all significant information must be disclosed. Accounting data should properly be clarified, summarized, aggregated and explained for the purpose of presenting the financial statement, which are useful for the users of accounting information. Duality concept, dual aspect. According to this concept, every transaction has two aspect, benefit receiving aspect or benefit giving. कुछ लोग लेने वाले होंगे तो कुछ देने वाले होंगे. These two aspects are to be recorded in the books of accounts. ठीक है. And the verifiable objective, मैंने बताया था हर एक चीज आपका verify हो, तो कहता है कि under this concept, accounting data must be verifiable. It means documentary evidence, source document, यानी कि of transaction must be made, which are capable of verification by an independent रिस्पेक्ट. ठीक है. एंड फिर कहता है सिक्स में हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वैल्यू ऑफ एसेट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और एक्विजिशन कॉस्ट और द प्राइस विच पेड. मतलब एक्विजिशन प्राइस का मतलब कि जितने पे आपने उसको एक्वायर किया, मतलब कॉस्ट एक्चुअल आपका जितना आपने पे किया है. एंड बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट के अंदर में एवरी डेबिट मस्ट हैव ए कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंड वाइस वर्सा. डेबिट और क्रेडिट आपका दोनों क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा. तो वो आप पढ़ जाएंगे. अब नाउ द सी पार्ट. फॉलोइंग आर कॉल्ड मॉडिफाइड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, है ना बच्चे, या कह दे उसको कन्वेंशन, या फिर कह दे कॉन्सेप्ट मीनिंग से, सबका सब में सबका वर्ड होगा, है ना, भगवान की माया है. तो आप जरा चेक करेंगे यहाँ पे क्या बता रहा है. मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि द मटेरियलिटी कुड बी रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन. मैं रोकूंगा, पहले मैं समझाते चलूं. मटेरियलिटी कुड बी रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन. इसका मतलब है कि अब देखो एक कंपनी में ना कई लेवल होते हैं. एक कंपनी में टॉप लेवल होता है, मीडियम लेवल होता है यानी कि मिडिल लेवल होता है, लोअर आपका लेवल होता है ना. कई लेवल है ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के आपने पढ़ा होगा 11वीं 12वीं क्लास में बिजनेस स्टडीज में. कई लेवल होता है 11वीं क्लास में एक्चुअली. तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. देखो अगर इंफॉर्मेशन, जैसे मैं स्टेशनरी का आपको एग्जांपल ले रहा था, अब ये जो लोअर लेवल है ना, इसको जब आप इंफॉर्मेशन देंगे ना, इसके पास अगर इंफॉर्मेशन आता है तो हो सकता है इनको स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी में क्या क्या चीजें आप खर्च कर रहे हो, क्या क्या चीजें वो रिलेवेंट इनके लिए होगा. इनका काम होता है भैया लो लेवल पे चीजों को कंट्रोल करना, खर्चों को मैनेज करना. तो कहीं मार्कर पे ज्यादा खर्च तो नहीं हो रहा है, कहीं शीट पे ज्यादा खर्च तो नहीं हो रहा, पेन ज्यादा यूज तो नहीं हो रहे हैं, इनको देखना पड़ सकता है. तो इनके पास वो इंफॉर्मेशन डिटेल में आए समझ में आता है, लेकिन वाइल पासिंग द सेम इंफॉर्मेशन एट द टॉप लेवल, इट इज नॉट नेसेसरी टू डिस्क्लोज एवरीथिंग. पेन पे इतना खर्च हुआ, पेंसिल पे, उसको उससे मतलब नहीं है. वो टॉप में बैठा है, वो कंपनी का मालिक है, वहां पे बैठा हुआ, उसको बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं. तो उसके लिए रेलेवेंट क्या होगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी पे कितना खर्च हुआ, वो टोटल अमाउंट देख के कि यार 10 लाख रुपए खर्च हुए तो ज्यादा है, कम करो, या कम खर्च हुए तो ठीक है आपका, तो उसको टोटल से मतलब है. तो इंफॉर्मेशन जो है ना, इससे भी जुड़ा हुआ मटेरियलिटी. इंफॉर्मेशन किस लेवल पे पास करना है, उसके हिसाब से मटेरियलिटी को फॉलो करना है. इनके लिए मटेरियलिटी क्या होगा, पूरा डिटेल. इनके लिए क्या होगा, एक लमसम अमाउंट. इट कुड बी, आगे पढ़ेंगे, रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन अमाउंट. अमाउंट छोटा है कि बड़ा है, छोटे छोटे अमाउंट यहां पे रिलेवेंट होंगे, बट यहां पे बड़ा अमाउंट ही चाहिए, उनको बड़े चीज से मतलब है. वही प्रिंटिंग स्टेशनरी को दिमाग में लेकर चलेंगे. प्रोसीजर एंड नेचर, किस तरीके, क्या प्रोसीजर है उसको इन्फॉर्मेशन देने का. आपने यहां पे क्या किया जी, आप प्रिंटिंग स्टेशनरी का इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो और उसमें लाखों नाम है और एक पूरा का पूरा आपने रजिस्टर भेज दिया, क्या करेगा बेचारा, ये उसकी जिंदगी उसी में गुजर जाएगी, उसको बहुत बड़े बड़े काम करने. यहां देखो आप, तो प्रोसीजर आप जो इन्फॉर्मेशन
आप ट्रांसफर कर रहे हो डिफरेंट लोगों को, वो भी मैंने करेगा मर्टिलिटी के अंदर में, ठीक है ना। एंड नेचर, किस नेचर का खर्च है वो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA कहते हैं इसको शॉर्ट में, एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। अगर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो इन्वेस्टर के पास अगर उसका इन्फॉर्मेशन जाता है तो उसका डिसीजन पे इम्पैक्ट डाल सकता है। मैं एक इन्वेस्टर हूं, अब मैनेजमेंट की बात छोड़ो, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो कंपनी के अंदर में हुआ है और अगर मेरे पास पहुंचता है तो मैं सोच सकता हूं कि यार उस कंपनी में पैसा लगाऊं कि ना लगाऊं, वो मटेरियल चीजें होगा। आप पढ़ेंगे जब स्टैंडर्ड, आप पढ़ना शुरू करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वहां बताया गया जी जैसे मान लो आग लग गई किसी कंपनी के अंदर में, तो आग लगने के बाद ये मटेरियल आइटम है या नहीं है, वहां भी क्लासिफिकेशन है। अगर मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है तो डिस्क्लोज करना, तो कैसे डिस्क्लोज करना उसका भी, मतलब आपको अभी अकाउंटिंग सीखना है। जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाएंगे और सीखेंगे और सीखेंगे और सीखेंगे, और फिर जब आप फाइनल क्वालिफाई करेंगे तब आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि आपका कि अगर कोई इन्वेस्टर को कोई डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकता तो मटेरियल है और उसको डिस्क्लोज करना है। सर कैसे डिस्क्लोज करना है, बड़े हो जाओ थोड़ा, उसके बाद सिखाऊंगा ए इसके अंदर में, अभी तो आगे बढ़ते चलो, ठीक है। कहते हैं कि दस वेदर एन अमाउंट इज मटेरियल और नॉट विल डिपेंड अपन इट्स अमाउंट साइज, तो समझ गया मैं, आगे पढ़ना। इट इज एन एक्सेप्शन टू फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, एग्जाम में आ सकता है कि मटेरियलिटी इज द एक्सेप्शन ऑफ डैश, तो क्या फुल डिस्क्लोजर, क्योंकि यहां कॉन्ट्रडिक्शन था ना, ये कहता सब डिस्क्लोज करो, यहां पे कहता भैया मटेरियलिटी को फॉलो करो, तो हम बोल सकते हैं, बट एक्चुअली कोई यहां पे एक्सेप्शन है नहीं, दोनों के अपने अपने रूल है, बट बुक में है तो हम उसको लिख लेंगे जी, एक नंबर में क्या जाता है। एज पर दिस प्रिंसिपल द आइटम अफेक्टिंग सिग्निफिकेंटली ऑन द बिजनेस ऑफ एंटरप्राइज शुड ओनली बी डिस्क्लोज सेपरेटली इन द फाइनेंशियल, मतलब ये फुल डिस्क्लोजर कहता है कि सबको अलग अलग डिस्क्लोज करो, ये कहता है कि नहीं जी जो बड़ा मटेरियल आइटम है उसी को सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, बाकी को आप क्लब करके दिखा सकते हो। एंड नेक्स्ट आपका कहता है यहाँ पे जी कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस शुड नॉट चेंज और मस्ट रिमेन अनचेंज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ सेवरल इयर्स। कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है, मतलब भैया डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एसएलएम तो एसएलएम को फॉलो कीजिए। कई सारे जगह पे कई डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, अभी नाम लेना भी ठीक नहीं रहेगा, जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी कई चीजें आपका है, फिक्सेड्स की अकाउंटिंग में कई तरीके के आपका पढ़ाऊंगा जब एस के अंदर में आप पढ़ेंगे मेरे साथ। तो वो कहता है जो भी तरीका आपने जो भी पॉलिसी फॉलो किया ना, आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे फॉलो करना है, चेंज नहीं करना। सर क्या कोई पॉलिसी, जैसे मान लो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने का कोई तरीका, एक्चुअली डेप्रिसिएशन चार्ज करने का कोई तरीका कोई पॉलिसी है नहीं, वो एस्टीमेट है, मैंने क्या बोल दिया आपको नहीं समझ में आया होगा, एस में सीखेंगे। कोई पॉलिसी लेते हैं जैसे कुछ भी आपका कोई इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को हमें शॉर्ट टर्म मानना है कि लॉन्ग टर्म मानना है, लॉन्ग टर्म तो कैसे ट्रीट करना, देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, मैं नहीं जाता उसके अंदर में अभी, बट अकाउंटिंग में जो भी पॉलिसी आप सिलेक्ट कर रहे हो, पता मैं क्यों नहीं जा रहा, कुछ चीजें रोक दे रहा हूँ क्योंकि वो आपके लिए अभी मैटर नहीं बनता, वो हम वहां पर रेलिवेंट जब जगह आएगा तो हम वहां पर आपको सिखाएंगे। तो अभी समझ लो कि अकाउंटिंग में कोई ऐसा पॉलिसी, कोई ऐसा एसएलएम ही ले लो, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड है, एसएलएम डब्ल्यूडीबी, तो आज आपने एसएलएम कहा कि हम डब्ल्यूडीबी चार्ज करते हैं, क्या हम चेंज कर सकते हैं, क्या पॉलिसी चेंज करना अलाउड है क्या, तो हमें कहा गया कि देखो जी तीन सिचुएशन है, एक दो तीन, तीन सिचुएशन में ओनली कैन कंसिस्टेंसी बी ब्रोकन। कंसिस्टेंसी जो आप अकाउंट्स बनाने का जो रूल आपने फॉलो किया, जो तरीका फॉलो कर रहे हो, तीन सिचुएशन में आप चेंज कर सकते हो। पहला तरीका, अगर आपके कंट्री के अंदर में लॉ में ही चेंज आ जाए, कानून आपका अगर लॉ कहता है भैया इस तरीके से करना, तो फिर वही काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, कंपनी के अंदर में बैलेंस शीट पहले ना टी शेप में बना करता था, जैसे पार्टनरशिप इस समय बनाते हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद उन्होंने क्या किया, नहीं जी फॉर्मेट जो होगा वो वर्टिकल फॉर्मेट होगा, आप सीखेंगे या सीखे होंगे आगे में या मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये क्या लॉ ने कह दिया कि कंसिस्टेंसी ब्रेक करना, वैसे नहीं ऐसे करना, तो फिर हम करेंगे आपको चेंज करेंगे जी, लॉ ने बोल दिया।
या कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम आगे पढ़ेंगे, अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ चेंज आ जाए, जैसे कि पहले A6 हुआ करता था डिप्रिसिएशन चार्ज करने का, जिसमें दो मेथड थे आपका SLM WDV, अब A10 आ गया, वहां पे तीन मेथड आपके पास आ गए, SLM WD प्रोडक्शन यूनिट मेथड आपका, पढ़ेंगे हम डिप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर उसके बारे में। तो जब आपका यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ चेंज आ जाए तो फिर भी आपको चेंज करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आपका बताना चाहते हैं। और तीसरा, या फिर आप कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हैं तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और आप ज्यादा अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तीन क्या क्या बोला, एग्जाम में आ सकता है, कंसिस्टेंसी कैन बी ब्रोकन और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज्ड। कंसिस्टेंसी को ब्रेक करना या अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना तीन सिचुएशन में अलाउड है। क्या क्या जी, टू कंप्लाई विथ लॉ, टू कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड टू शो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर एक्यूरेट। ठीक है ना बच्चे, पढ़ो ना, मैंने इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे यहां पे कंसिस्टेंसी के अंदर में, अगर कंसिस्टेंसी पे नोट्स आ जाए तो पूरी बात लिखनी पड़ेंगे। तो कहता है कि दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस शुड नॉट चेंज और मस्ट रिमेन अनचेंज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ सेवरल इयर्स। द अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फॉलोड कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर टू अचीव कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी इज अप्लाइड वेर डिफरेंट मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग आर इक्वली एक्सेप्टेबल। जहां पे कई सारे मेथड है वहां पे ये बात उठती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में अडॉप्ट एनी डेप्रिसिएशन मेथड SLM WDV एक्सेट्रा। सिमिलरली देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन हैंड, बट द कंपनी शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी ओवर द ईयर्स। एंड एंटरप्राइज शुड चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस ओनली। सिर्फ तीन क्या क्या, ब्रिंगिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अकॉर्डिंग विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर एस के मुताबिक आप करते हैं तो, टू कंप्लाई विद प्रोविजन ऑफ लॉ को कंप्लाई करने के लिए, या व्हेन इट इज फेल्ट दैट द न्यू मेथड विल रिफ्लेक्ट मोर ट्रू एंड फेयर पिक्चर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी तो बताया था मैंने। एंड नेक्स्ट वन आपका, सर बहुत फास्ट चल रहा हूं, क्या फास्ट चल रहा हूं यार, सब तो समझा दिया, उसी को पढ़ रहा हूं, ये तो समझो कि समय आपके साथ मुझे गुजारना अच्छा लगता है, मन करता है कि मैं आपके साथ बैठ के 5 मिनट कहीं अलग से बात करूं, इसलिए मैं आपको सब समझा रहा हूं, अदरवाइज क्या फायदा, फिर दूसरी क्लास की रिकॉर्डिंग ना करता क्या मैं। आप बदमाशी नहीं मत करो, फास्ट नहीं कर रहा हूं, एक ही चीज को अब दोबारा रिपीट कर रहा हूं। और अगर आप सचमुच में प्यारे प्यारे बच्चे होंगे तो आपको पता है क्या करना है, मेरी क्लास के बाद आप कोशिश करना आज या टू द मैक्सिमम कल तक में इन सबको लिख लिख के प्रैक्टिस करो। जब कोई चीजों को हम हाथ से लिखना शुरू करते हैं ना तो दिमाग में बहुत लंबे समय तक वो बातें याद रहती हैं और एग्जाम में आपको मजा भी आता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, अब मत बोलना उल्टी सीधी बातें। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कहता है, इट स्टेट्स दैट अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट इनकम बट शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल। यहां पे शुड नॉट एंटिसिपेट पॉसिबल इनकम, मैंने कर दिया बुक में सही, आपके पास सही चीज आएगा, पॉसिबल इनकम बट शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज व्हेन देयर आर मेनी ऑल्टरनेटिव वैल्यू ऑफ एसेट। कहता है व्हेन देयर आर मेनी ऑल्टरनेटिव वैल्यू ऑफ एन मेनी ऑल्टरनेटिव मेथड टू वैल्यू एन एसेट। अगर किसी एसेट को वैल्यू करने के कई सारे मेथड आपके पास हैं, एंड अकाउंटेंट शुड चूज मेथड विच शोज लेसर वैल्यू, वही मेथड को आप शो करें चूज करेंगे जो कि आपका लेसर वैल्यू को दिखाएगा, है ना। तो कहता है कि ये आपको मैंने बता दिया इसको समझाते हुए आपको। एंड द नेक्स्ट वन आपका कहता है टाइमलीनेस कॉन्सेप्ट, ये वही कि अंडर दिस प्रिंसिपल एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन प्रॉपर टाइम, नॉर्मली वेन द ट्रांजेक्शन इज मेड द सेम शुड बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, एंड इंडस्ट्री प्रैक्टिस में बता चुका हूँ, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ईच इंडस्ट्री हैज इट्स ओन, मैंने बताया था कि जैसे एजुकेशन का अलग है, स्टील का अलग इंडस्ट्री है, हर एक का क्लोथ का अलग इंडस्ट्री है। तो कहते हैं ईच इंडस्ट्री हैज इट्स ओन करेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स, द एंटिटी शुड फॉलो सच अकाउंटिंग प्रैक्टिसेज विच आर प्रिवेलिंग इन दैट इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, किस टाइप का है, उसी के हिसाब से आपको अपने रूल्स को फॉलो करने हैं।
कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, पक्का यस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एग्जाम, एमसीक्यू के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सब्जेक्टिव यानी कि दिमाग में आपको लंबे समय का रखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जगह यूज होगा। एंड दैट कॉन्सेप्ट इज फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, FAA शॉर्ट में कहते हैं इसको, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। इट्स नॉट, ये बेसिक था, अब मैं बेसिक की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूं कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन मतलब जिसका आपका फुल फॉर्म FAA बन जाए, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। उसमें तीन नाम है, गोइंग कंसर्न एक, फिर कहता आपका कंसिस्टेंसी एक, और फिर कहता एक्रुअल। ये आपका याद रखना मेरे बच्चे, ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना, मैं गीता का पाठ आपको सिखा रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनना। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, ऐसे तो AS1 जब पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, तो वहां पे इसका डिटेल डिस्कशन है, मैं थोड़ा सा बताऊं जितना आपको इस चैप्टर में रिक्वायरमेंट है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन मतलब अकाउंटिंग करते समय वो फंडामेंटल चीजें, बेसिक बातें जो हमें एज्यूम करते हुए चलना है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। देयर इज नो वर्ड कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन के ऊपर में राइट ए शॉर्ट नोट्स आ जाए तो कहते हैं भैया ये तीन आपके फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। मतलब माना जाएगा कि दुनिया में जितने भी लोग हैं दुनिया में, वो एक दो और तीन को फॉलो कर रहे हैं, मतलब गोइंग कंसर्न को फॉलो कर रहे हैं कि बिजनेस कॉन्टिन्यूस चलते चला जाएगा, इट विल रन इन डिफरेंट पीरियड आपका। एक्रुअल बेसिस पे उन्होंने अकाउंटिंग किया, हमने कहा था तीन अकाउंटिंग था, कैश एक्रुअल और हाइब्रिड, तो ये माना जाएगा कि हर एक आदमी एक्रुअल बेसिस की अकाउंटिंग को फॉलो कर रहा है, ये माना जाएगा कि आप कंसिस्टेंट बेसिस पर सारे काम कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरा अगला सेंटेंस सुनना, कहते ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, कौन कौन सामने बोला, एक आपका गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी और तीसरा एक्रुअल, गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एक्रुअल, ये तीन अगर आपने फॉलो किया है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी मटेरियलिटी, अगर ये तीनों आपने फॉलो किया है तब तो डिस्क्लोज कहीं नहीं करना। बोला ठीक है जी फंडामेंटल है, सब फॉलो करते हैं, मैंने भी फॉलो किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने इस तीनों में से कोई भी एक, दो या तीनों, कोई भी मतलब अगर एक भी आपने फॉलो नहीं किया है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय, तो इस बात को आपको मेंशन करना पड़ेगा अलोंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि भैया हमने FAA में इस एजम्पशन को हमने फॉलो नहीं किया। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये कहता जी FAA की अकाउंटिंग एक्रुअल बेसिस पे होना चाहिए, लेकिन अगर आपने एक्रुअल बेसिस पे करने के बजाय आपने कैश बेसिस पे किया है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद नोट में लिखना पड़ेगा कि हमने कैश बेसिस पर अकाउंटिंग किया हुआ है। अगर आपने कंसिस्टेंसी को ब्रेक किया है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हमने कंसिस्टेंसी को ब्रेक किया, क्यों ब्रेक किया, वो रीजन भी बताना पड़ेगा। तीन रीजन थे ना, कंप्लायंस विथ लॉ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या फिर आपका टू शो वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर एक्यूरेट, तो रीजन आपको बताना पड़ेगा। अगर आपने गोइंग कंसर्न को फॉलो नहीं किया है, हमने अकाउंटिंग किया भैया कि भैया बिजनेस 5 महीने में खत्म हो जाएगा, 1 साल में खत्म हो जाएगा, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दोबारा ये FAA फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन तीन है, एक्रुअल कंसिस्टेंसी एंड गोइंग कंसर्न, फिर से गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एक्रुअल, अगर इन तीनों को आपने फॉलो किया है डिस्क्लोज नहीं करना, क्योंकि सभी फॉलो करते हैं, हमने भी फॉलो किया, खाना आप भी खाते हो, खाना मैं भी खाता हूं, तो क्या डिस्क्लोज करना। अगर आपने खाना खाया, मैंने नहीं खाया, तो मैंने कुछ एबनॉर्मल काम किया, क्या मैं बिना खाना खाए 20-25 साल से कैसे जिंदा हूं, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पढ़ो ना FAA, देयर आर 3 FAA, गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एक्रुअल, फिर कहता आगे सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना तीनों के बाद जो लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि आपका कि व्हेन नथिंग इज रिटन अबाउट द FAA इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन इट इज एज्यूम्ड दैट दीज अकाउंटिंग एजम्पशंस हैव बीन फॉलोड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने फॉलो किया है। इफ इट शुड बी स्पेसिफिकली डिस्क्लोज्ड इफ एनी ऑफ दिस एजम्पशन इज नॉट फॉलोड,
अगर आपने इनमें से किसी एक को नहीं फॉलो किया, किसी भी एक को, दो को, तीन को, कोई भी, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मान लो फुल बड़ा क्वेश्चन आ गया, आप बड़े हो गए हैं, बड़े क्वेश्चन आ गया एफ ए के ऊपर में, तो आपको ये सारी बातें लिखनी है। गोइंग कंसर्न जो मैंने ऊपर लिखा था उसको डिटेल देना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी का डिटेल देना पड़ेगा, एक्रूल का डिटेल देना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया दो नंबर का, राइट ए शॉर्ट नोट्स एफ ए, तो एफ ए का तीन नाम और जो मैंने लिखा उतना लिखना पड़ेगा। एमसीक्यू आ गया कि एफ ए ए इंक्लूड्स दिस फोर, एक आ गया गोइंग कंसर्न, एक आ गया कंसिस्टेंसी, एक आ गया एक्रूअल, एक आ गया मनी मेजरमेंट, तो मनी मेजरमेंट एफ ए में तो है नहीं, टिक मार्क कर देना। समझ में आगे बात? यस सर, ठीक है। तो आज हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत आगे। आज तो मुझे, सच बता रहा हूं, आज पूरा दिन मुझे ना आपके साथ गुजारने का मन कर रहा है। मैं क्या करूं, मुझे और किसी से बात करने का मन ही नहीं करता। बड़े बच्चे जो होते हैं ना, वो फाइनल वाले, वो बदमाश बच्चे होते हैं, उनको तो जो सिखा दो ना, जो सिखा दो बोलते हैं सर ठीक है, मजा आ गया। लेकिन आप थोड़े वो बच्चे हो, वो तो आप कोई बच्चा अगर दिखे आपको सीए फाइनल का या सीएमए फाइनल का और सीएफआर की स्टडी, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की स्टडी कर रहा हो और पूछना कि क्या संतोष सर के स्टूडेंट हो, बोलेगा हाँ, तो उसको देखना, हंसना, भाग जाना वहां से। उसको पता ना चले कि वो क्यों आप भागे हो, लेकिन उसको, मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो कुछ भी पढ़ ले काम चल जाता है। आप थोड़े वो, आप तो बस, आपके साथ मैं इतना समय गुजारता हूं। ओह, बहुत टफ है आपके साथ चिल्लाना। सर अभी तीन घूंट आपने पिया था और आपने कहा था कि ये 20-25 साल तक चलेगा, फिर आपने घूंट क्यों लिया? आपको पढ़ाने में 25-30 साल की जो मेहनत होती है ना, एनर्जी, वो एक घंटे में खत्म हो जाती है, आधे घंटे में। मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे। अरे अगला टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लो, ऊपर ही बता चुके, तीन चीजें आता है, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट और आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके सिवा कुछ भी नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लेना, फिर नीचे कहता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्वालिटी आप चाहते हो, कैसा हो, आप ही बताओ ना। आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी कंपनी का आप देखें, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, तो आप क्या चाहोगे, कैसा हो? तो ऑब्वियस बात है, सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, है ना बच्चे? आपका अनबायस्ड होना चाहिए, फुल डिस्क्लोजर के साथ होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए इंडस्ट्री से या पिछले साल से, आपका सब कुछ देखना चाहेंगे जी। अरे क्वालिटी, आपके क्या क्वालिटी चाहिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कि अकाउंटिंग इज एन आर्टिस्ट तो बन गए, तो क्वालिटी क्या मेंटेन करोगे? पढ़ो ना, अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, समझने लायक, रेलिवेंस होना चाहिए, मतलब आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसमें मिले, रिलायबल होना चाहिए, मतलब कि झूठा ना हो, सब कुछ सच हो उसमें, कंपेरेबिलिटी मैंने बता दिया, मटेरियलिटी, जो मटेरियल चीजें हैं वो वहां पर डिस्क्लोज उसमें दिखे, फेथफुल आपका प्रेजेंटेशन हो, सारी चीजें जो उसमें प्रेजेंट की गई फेथफुल, मतलब सही होना चाहिए, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये तो मस्त चीज है। मैंने इसलिए तीन चार लाइन इसको दे भी दिया है आपको समझने के लिए, मैं आपको बता दूं सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में हम लोग फॉलो करते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मैं चाहूं तो इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको 8-10 घंटे का आपको लेक्चर दे सकता हूं, लेकिन उतना देने से कोई फायदा अभी नहीं है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे मैं इनके बारे में बताऊंगा। वो जो भी नहीं, बदमाश बच्चों की बात कर रहा था, फाइनल वाले बच्चों का, उनका सीएफआर में पढ़ना होता है इंड एस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ए से अलग अलग चीज होता है, इंडेस आपका होता है। मेरे बच्चे वहां पे तो सारे इंडेस जो है ना वो इसी टॉपिक पे बेस्ड है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अब क्या होता है मैं आज बताऊंगा, आपको दिक्कत होगा, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं इसके बारे में, जितना आपको रेलिवेंस है यहाँ पे, कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब कि आप कोई भी डिसीजन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं ले सकते, आपको हर एक चीज में उसके अहमियत को आपको समझना पड़ेगा, उसका यूज समझना पड़ेगा, कि वो जो चीज है वो किस पर्पस में, किस रूप में यूज होगा, उसके हिसाब से आपको अकाउंटिंग में उसका प्रेजेंटेशन करना होगा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक एग्जांपल देखो इसका मतलब। शायद बचपन से अभी तक आपने एक नाम सुना होगा, लीज होल्ड प्रीमाइसेज, शायद
मुझे लगता है कि आपने सुना होगा। नहीं सुना ऐसा हो नहीं सकता, और सुना तो शायद पूरा इसका मतलब नहीं पता होगा, मैं आपको समझा दूं। लीज होल्ड प्रमाइसेज का मतलब होता है एक बिल्डिंग आपने लीज पे लिया हुआ है बट आप उसके मालिक नहीं हो, ओनरशिप जो है ना वो आपके नाम पे नहीं है, ओनरशिप उसी के नाम पे अभी है। हाँ, आपने उस प्रमाइसेज का एक ह्यूज अमाउंट आपने उसको पे कर दिया, बहुत बड़ा अमाउंट है ना, जो लगभग बिल्डिंग की कॉस्ट होती है सारा पे कर दिया, बट ओनरशिप हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड। अब देखो, अब हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो एक होता है एसेट, एसेट का मतलब कि हमारी जो प्रॉपर्टी है। क्या आप लीज होल्ड प्रमाइसेज के मालिक हो क्या? जो प्रमाइसेज, जो बिल्डिंग आपने लीज पे लिया, लीज मतलब कि समझ लो कि एक तरीके से रेंट पे लिया है, 15 साल 20 साल 100 साल का रेंट हमने इकट्ठा पे कर दिया, बट इट्स ए रेंट एक्चुअली कहा जाए तो, क्या आप उसके मालिक हो क्या? आप उसके मालिक नहीं हो। प्रमाइसेज जो लीज पे लिया है मेरे बच्चे, मालिक आप नहीं हो, मालिक वही आदमी है जो जिसने आपको दिया है, फिर भी आप इसको अपने बैलेंस शीट में दिखाते हो एसेट्स के रूप में, इवन दो यू आर नॉट ए मालिक, बट आप इसको शो करते हो। क्यों जी? क्योंकि सब्सटेंस ओवर फॉर्म हमें अलाउ करता है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब लीगल फॉर्म, फॉर्म मीन्स लीगल फॉर्म। तो ये कहता है कि भैया ये जो लीगल फॉर्म है ना, लीगली वो आप उसके ओनर हो नहीं हो, उसका क्या यूज है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लीगलिटी हमें नहीं देखना, हमें सब्सटेंस देखना अपने लिए, हमारे लिए वो किस पर्पस में कैसे यूज होगा हम उसको ध्यान रखेंगे। अगर हमें लगता है कि वो चीज़ हम 10 साल 12 साल तक यूज करेंगे जी, और उसका हमने पेमेंट किया हुआ है, तो इवन दो इट्स नॉट आपका राइटफुल एसेट फॉर द कंपनी, बट कंपनी उसको एसेट्स के रूप में दिखाएगी। पढ़ो मेरे साथ, द ट्रांजेक्शन एंड अदर इवेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी अकाउंटेड एंड प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद देयर सब्सटेंस एंड इकोनॉमिक रियलिटी एंड नॉट मेयरली देयर लीगल फॉर्म। लीगल फॉर्म से मतलब नहीं है मेरे बच्चे, इकोनॉमिक रियलिटी क्या है, मतलब आप उसको कितने साल तक कैसे कैसे यूज करोगे, उसको ध्यान देते हुए आपको ये करना है। फॉर एग्जाम्पल, एसेट टेकन ऑन लीज आर शोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट इवन फॉर्म इज नॉट ए लीगल ओनर, ठीक है ना। न्यूट्रलिटी, आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट न्यूट्रल हो जी, मतलब किसी को फेवर ना करे, है ना। प्रूडेंस हो, सच्चा चीज हो, फेथफुल, फुल फेयर एंड डिस्क्लोजर, क्या बोलते हैं, फुल फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ये तो मतलब है ही चीज आपका, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, ये तो क्वालिटी हमें दिखना होगा एग्जाम में, अगर आ जाए क्वालिटी के ऊपर में तो हम इस बातें लिख डालेंगे। बस इस चैप्टर में जितनी बातें थी आई हैव डिस्कस एवरीथिंग। नाउ व्हाट विल डू, विल कम टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एग्जाम में अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाए तो फिर क्या बनेंगे और कैसे बनेंगे वो आपको समझना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक और फायदा होता है, जब चीजें ऑप्शन ग्रुप में दी जाती है ना, सही ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो दिमाग मतलब राइट डायरेक्शन में काम कर रहा है। आओ देखते हैं क्या बता रहा है। लेट्स स्टार्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन वन, पढ़ेंगे आप। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट करेंसी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, सॉरी अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट करेंसी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मनी मेजरमेंट आपका जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। चार ऑप्शन में, पहले मैं बता दूं मेरे बच्चे, ट्रांजेक्शन वहां पर रिकॉर्ड होते हैं उस करेंसी में जहां पे अकाउंट्स मेंटेन होता है। मान लो कॉमन सेंस है, मैं यहां पे इंडिया में हूं और मैंने एक डॉलर में, मान लो कोई मैंने मशीन परचेज किया, तो क्या रिकॉर्डिंग मैं डॉलर में करूंगा? नहीं सर, इंडियन करेंसी में, है ना, क्योंकि हमारे पास से जो पैसे गए होंगे वो इंडियन करेंसी में ही कन्वर्ट हुए होंगे, है ना, तो इंडियन करेंसी में। और ऐसे भी जहां अकाउंटिंग होता है ना, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि जहां पे अकाउंटिंग होता है उसी करेंसी में अकाउंट्स को आपको रिकॉर्ड करना है। तो पढ़ेंगे आप, नंबर वन, इन ए रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच ट्रांजेक्शन टेक प्लेस। ना ना, ये नहीं, जहां पे ट्रांजेक्शन हुआ उस करेंसी में थोड़ा रिकॉर्ड करेंगे। द रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, ये ठीक है, बी ऑप्शन में टिक मार्क करेंगे आप, इसके आगे पढ़ने कोई मतलब ही नहीं बनता। अगला क्वेश्चन है नंबर टू, प्रैक्टिस सेशन वन चल रहा आपका, डिटरमिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन, एक्सपेंसेस का डिटरमिनेशन कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू को देखते हुए हम एक्सपेंसेस को मैच करते थे, बताया था ना मैंने कहीं पे, यहाँ पे आपका कहीं चला गया, मिटा दिया शायद, ये आपका वाला। तो देखते हैं सी ऑप्शन, बाकी क्यों पढ़ू मैं।
ऑब्जेक्टिविटी से कोई मतलब नहीं, मटर्निटी तो कुछ बात नहीं, और डी जो पीरियडिसिटी है वो तो कहता है कि भैया पीरियड एक एक साल का लिया जाना चाहिए, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट। डिक्रीज, अगला क्वेश्चन थर्ड, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रिएटर्स, अगर क्रिएटर्स का अमाउंट डिक्रीज करेगा तो हमारा पेमेंट हुआ होगा, है ना बच्चे, कैश डिक्रीज करना चाहिए, तो इंक्रीज इन कैश ना डिक्रीज इन कैश, बी में टिक मार्क कर देंगे, बाकी आगे पढ़ने कोई मतलब नहीं बनता। एमसीक्यू में यही फायदा होता है, अगर कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग है एंड पहले सब जानते हैं तो बस फटाफट अब आगे बढ़ो। राम ने परचेज किया कार 10,000 का, 3,000 कैश पे कर दिया, तो 10,000 का कार आया, 3,000 कैश चला गया, 7,000 हमारे एसेट्स बढ़े हैं। कहता है कि बैलेंस अमाउंट पे किया जाएगा अगले 3 इंस्टॉलमेंट में, तो 7,000 का एसेट्स बढ़ गया, 7,000 से लायबिलिटी बढ़ गया, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए गलत है, वो तो डस्टर कहता है। ऑप्शन बी टोटल लायबिलिटी इंक्रीज, गलत बता रहा है, 3,000 नहीं। सी में कहता है कि एसेट विल इंक्रीज बाय 7 विद कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लायबिलिटी बाय 7, ये ठीक है, सी में हम लोग यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे। तो अब आप खुद भी सब कर सकते हो, मैं फालतू में टाइम में बात कर रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है कि अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ आपका मनी मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट में जिसको मनी में हम मेजर कर सकते हैं उन्हीं के रिकॉर्डिंग करते, तो डी में हम टिक मार्क कर देंगे। प्रोविजन फॉर बैडेट्स इज मेड एज पर, क्या कंजर्वेटिज्म है ना कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला रिकॉर्ड कर लो, मैंने समझाया था अभी आपको, कंजर्वेटिज्म हो जाएगा, यानी कि 6 का बी में हम टिक मार्क करेंगे। 7th में फिक्स्ड करंट एसेट्स आर कैटेगराइज गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न जो आपका कॉन्सेप्ट था उसी बेस पे तो हमने आपका कहा था जी कि जो करंट ईयर में बेनिफिट एक्सपेंस है, एक साल अगले एक साल में जो बेनिफिट देगा वो करंट, बाकी नॉन करंट, तो हम गोइंग कंसर्न पे टिक मार्क करेंगे। 8th में कहता है कि ओमिशन ऑफ पैसे एंड शोइंग द राउंड फिगर, कोई ट्रांजेक्शन मान लो आपका जब आपने कैलकुलेशन किया तो 10,060 पैसे आ रहा, तो हम पैसे इग्नोर कर देते हैं, हम रुपये में करते हैं या फिर राउंडिंग ऑफ करते हैं, क्यों? मटेरियलिटी है, मटेरियल चीज़ों को 60 पैसे 50 पैसे क्या डिस्क्लोज करना है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मटेरियलिटी सी पे टिक मार्क करेंगे। 9th इनकम टैक्स जो सोल ट्रेडर का होता है मेरे बच्चे, वो ऑनर का आपका ड्रॉइंग्स माना जाता है, अकाउंटिंग जर्नल एंट्री में मैंने आपको सिखाया है, तो डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट होगा 9th नंबर। इनकम टैक्स जो सोल प्रोप्राइटर का होता है वो हम प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, अब मैं फाइनल अकाउंट चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा आपको, वहाँ पढ़े होंगे आप मेरे साथ, ये पढ़ेंगे। 10th क्वेश्चन आइए, पेमेंट ऑफ सैलरी इज रिकॉर्डेड, एंट्री पूछ रहा सैलरी टू कैश, देख लेना कौन सा होगा, आई थिंक ए दिख रहा है, डेबिट सैलरी कैश तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 11th में परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश वुड, अगर हमने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर यानी कि फिक्सेड्स बढ़ेगा और कैश आपका कम हो जाएगा, करंट एसेट्स कम हो जाएगा, तो मुझे 11th का ए दिख रहा है शायद, हाँ जी फिक्सेड्स बढ़ा और करंट एसेट्स कम हो गया, आगे पढ़ूंगा ही नहीं मैं। 12th में नरेशन किसको, जर्नल एंट्री के साथ होता है, डी ऑप्शन। 13 कहता है कि पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल क्या है, क्रिएटर है, आप जानते हैं कैश ये सब थोड़ा ही है, हमने पढ़ा है पहले आपका, क्रिएटर आपका है। 14 में प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर 1 ईयर बिकॉज ऑफ पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंट पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कह दे पीरियडिसिटी कह दे, 14 का सी हो गया। 15 करंट लायबिलिटी का मतलब क्या, विच इज पेबल विद इन 12 मंथ्स और ड्यूरिंग द ऑपरेटिंग साइकिल, जो मैंने आपको बताया हुआ है, बट क्वेश्चन में कहीं ऑपरेटिंग साइकिल की बात ही नहीं कर रहा, तो जो 12 मंथ्स में पे करने की बात करेगा वही ठीक है। हाँ एक परेशानी आपको हो सकती है एग्जाम में पॉइंट नंबर सी पढ़ने पे, कि लायबिलिटी विच आर विच पेबल आफ्टर 1 अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के बाद जिसको पे करना, गलत है, एक अकाउंटिंग ईयर या 2 अकाउंटिंग ईयर की बात ही नहीं है, 12 मंथ्स जिस दिन हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उस समय से 12 मंथ्स के अंदर में अगर पेबल है तो आपका करंट, अदरवाइज नॉन करंट। इन्वेंट्री 16 क्वेश्चन, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट मार्केट वैल्यू, वैल्यूइंग इन्वेंट्री एट मार्केट वैल्यू दो कॉस्ट इज लोअर फॉर सच इन्वेंट्री, वायलेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये लो यही बता रहा आपका कि अगर इन्वेंट्री को आप वैल्यू कर रहे हो कॉस्ट प्राइस पे, इवन दो मार्केट प्राइस जो है ना लोअर है, ये लोअर है, इसके बजाय इसी पर दिखा रहे हो, तो कौन सा कॉन्सेप्ट आप खराब कर रहे हो, कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म कहते हैं भैया लोअर पे दिखाओ, आप लोअर पर नहीं दिखा रहे तो उसी को तो खराब किया, मैंने अभी समझाया था, आप ऐसे मत देखो। 17th क्वेश्चन पे आप आएंगे, अ कंपनी डील्स इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एसी फ्रिज ये सब बनाती है जी, लेकिन उसने 2 टेलीविजन परचेज किया एंड शोरूम में इंस्टॉल किया है। मेरे बच्चे अगर कोई टीवी फ्रिज में आप डील करते हो और आप उनको परचेज करते हो सेल करते हो, तो वो गुड्स आपका परचेज के नाम से रिकॉर्ड होता है,
लेकिन वो अगर अपने शोरूम में आपने इंस्टॉल कर दिया तो अब तो आप उसको एसेट्स के रूप में यूज करना चाहते हो, फिर वो परचेज नहीं होता, वो एसेट होता है और फिक्स्ड एसेट्स यानी कि सी अकाउंट को आपको डेबिट करना होगा। अगर कहता कि जरा बताओ ये एसी फ्रिज जो हमने टीवी परचेज किया, अगर वो एज ए गुड्स यूज करना है मतलब सेल परचेज में, तो कौन सा नाम डेबिट होगा, तो बोलना परचेज। लेकिन अगर आपने खुद अपने शोरूम में यूज कर लिया तो फिर क्या करेंगे, फिक्स्ड। अगर आपने घर के लिए यूज करते तो ड्रॉइंग्स को मैं डेबिट करता है ना, हमें एग्जाम में देखना होता है डेबिटेड पूछ रहा है क्रेडिट पूछ रहा है, उसके हिसाब से भी एंट्री में ध्यान देना होता है। नाउ 18 क्वेश्चन, इफ एन इंडिविजुअल एसेट इज इंक्रीज्ड देयर विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लायबिलिटी, या अगर कोई इंडिविजुअल एसेट्स इंक्रीज किया है मेरे बच्चे तो या तो कॉरेस्पॉन्डिंग कोई एसेट कम होगा, जैसे मशीन किया खरीदा तो कैश कम होगा बैंक कम होगा, तो या तो कोई एसेट कम होगा या फिर लायबिलिटी बढ़ेगी, देखते कौन सा निकल के आ रहा है। अगर इंडिविजुअल एसेट्स इंक्रीज करता है तो कहता है पॉइंट ए में इंक्रीज ऑफ अनदर एसेट्स, ना पॉसिबल ही नहीं है। इंक्रीज ऑफ ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स का क्या मतलब जी, एसेट्स बढ़ा तो ड्रॉइंग्स कैसे आपका, और कहता है आपका डिक्रीज ऑफ अनदर एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये ठीक है आपका, सी में टिक मार्क करूंगा, है ना बच्चे। 19 क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू कौन सा नहीं ट्रू है जी, डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है ये तो ट्रू है, बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस ये भी ट्रू है, रेंट अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, फॉल्स हुआ, रेंट इज नॉट ए पर्सनल अकाउंट, बट आउटस्टैंडिंग रेंट कहता है नॉमिनल, उल्टा बोल दिया बदमाश ने, आउटस्टैंडिंग रेंट नॉमिनल पर्सनल अकाउंट होता है और रेंट आपका नो, तो ये गलत है आप चीज़, आगे पढ़ूंगा नहीं, है ना, तो सी में मैं टिक मार्क करूंगा, 19 का सी आंसर हो गया। 20 क्वेश्चन पे आप आइए, कहता है कि एक्स ने परचेज किया गुड्स 9 लाख का, ये क्वेश्चन में यहाँ पे फिगर से एक बार देख लेता हूँ इसके साथ जी, कहता है कि 9 लाख का गुड्स परचेज किया हमने, तो 9 लाख का हमने परचेज किया ठीक है, आगे बताओ, कहता है कि सोल्ड 4/5 ऑफ गुड्स 1080 में, 1080,000 में हमने सेल किया है ना, इतने का गुड्स इतने में बेच दिया हमने, कहता है कि एंड मेट एक्सपेंसेज अमाउंटिंग टू 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए कहता है कि सेल करने में एक्सपेंसेज हो गए, एक्सपेंस सेल से जुड़े हुए ठीक है। ड्यूरिंग कहता है 2019 ही काउंटेड नेट प्रॉफिट 4,20,000, विच ऑफ द कॉन्सेप्ट फॉलोड बाय हिम, पहले तो 9 लाख का गुड्स परचेज किया तो मेरे बच्चे सारे गुड्स नहीं बिके हैं, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है ना, या तो इसमें से माइनस करो इस साइड लिख दो, कितना 9 लाख रुपीज का 1/5 है ना। अगर आपने ये चैप्टर पहले पढ़ रहे हो फाइनल अकाउंट के तो वहां ज्यादा क्लियर करूंगा, अभी समझ लो कॉन्सेप्ट कितना हो गया 1,40,000। तो चलो बताओ प्रॉफिट कितना निकल के आ गया आपका, 12,20 और ये हो गया 11 लाख है ना, 11 लाख, तो प्रॉफिट आ रहा है 1,20,000, प्रॉफिट 120, इसने प्रॉफिट कितना निकाला है, एक मिनट कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, गुड्स परचेज किया उसने 9 लाख का ठीक है, और कहता है कि 4/5 गुड्स उसने बेच दिया 1080 में ठीक है, एक्सपेंसेज उसने किए हैं 2 लाख रुपए वो भी ठीक है, ड्यूरिंग 2019 ही काउंटेड नेट प्रॉफिट कहता है कि 420, विच ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वॉज फॉलोड, सॉरी मैं बुक में सही कर दे रहा हूँ, इट्स नॉट 420 इट्स 120 है ना, यहाँ मिस्टेक है 120, तो अगर आपके बुक में 420 दिख रहा होगा तो 120 और 120 दिखा तो अच्छी बात है, 120 आपका, तो कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया जी, मैचिंग कॉन्सेप्ट, यही तो था आपका, कहाँ चला गया, मैचिंग कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं आपका, तो मैचिंग यानी कि बी में आप टिक मार्क कर लेंगे। 21 कहता है कि डैश बिजनेस एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी और ट्रांजेक्शन को बोलते हैं, ए में टिक मार्क कर लेना। 22 अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग, रिकॉर्ड करना फिर क्लासिफाई करना फिर समराइज करना, ऑप्शन ए ठीक है, बी गलत है, वो कहता है रिकॉर्ड समराइज क्लासिफाइंग, नहीं गलत, ए ठीक है, ए ठीक है। 23 इज कॉल्ड लैंग्वेज, अकाउंटिंग को कहते हैं लैंग्वेज, आप भूल गए क्या, अकाउंटिंग को लैंग्वेज कहते हैं, बुक कीपिंग नहीं, अकाउंटिंग को मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में। 24 अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन इवेंट विच आर इन आर्ट एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, ये किसने बोला था, डी ऑप्शन,
अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट, मैंने पिछली क्लास में कहा था कि आप ध्यान रखना कभी कभी डेफिनेशन देगा किसने बोला है, तो वो नाम आपको याद रखना पड़ेगा पूरे मार्क्स लेने के लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है, कहता है सिस्टमेटिक है, एसर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट, ये भी है जी, पोजिशन भी, तो ऑल ऑफ द अबव, डी में टिक मैं करूंगा, 25 का डी ऑप्शन हो गया। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या अभी सीखा था, मेजरमेंट फोरकास्टिंग डिसीजन सब है, डी में टिक मैं करूंगा। एज डिफाइंड बाई डैश, बुक कीपिंग इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी वर्थ। किसने बोला था, कि आईसीआई ने, नहीं आईसीएमआई ने, नहीं कार्टर ने, या फिर दी सीओसी लिमिटेड ने, आप बताओ सीओसी लिमिटेड या कार्टर, दो में से एक है। अरे सीओसी से मतलब एग्जाम में इतना थोड़े प्यार करेंगे कि सीओसी कहीं लिख देंगे, इट्स कार्टर, कार्टर था CRTER, तो कार्टर सी ऑप्शन में टिक मार्क करेंगे, ठीक है ना। 28 में कहता है कि फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग एक्सेप्ट, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन है, इट इज बेस, ये भी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म, ये भी ठीक है, मैनेजरियल डिसीजंस आर टेकन, ना ना ना, बुक कीपिंग के बेसिस पे डिसीजन थोड़े लेते हैं, वो तो आपका अकाउंटिंग के बेसिस पे लेते हैं, ये गलत है, तो डी में टिक मार्क करेंगे। 29 कहता है कि व्हेन कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर इज डन व्हिच हैपेंस फ्रीक्वेंटली एंड रिपीटेड इन सेम डायरेक्शन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इट इज कॉल्ड अकाउंटिंग साइकिल, जो एक ही चीज एक बार फिर दो बार तीन बार चार बार रिपीट हो जाए, इट्स अकाउंटिंग साइकिल, तो ए में टिक मार्क कर लेंगे। 30 कहता है कौन सा सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग है एक्सेप्ट, कोई एक इसमें नहीं है, तो डी। अरे सब फील्ड बेस थोड़े पूछ रहा, सब फील्ड पूछ रहा है, तो फाइनेंशियल भी था, कॉस्ट भी था, मैनेजमेंट भी था, बुक कीपिंग नहीं, तो बुक कीपिंग में टिक मार्क करेंगे डी ऑप्शन में। 31 फॉलोइंग आर द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट, एक्रूअल है, कैश बेसिस है, हाइब्रिड भी है, डी नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये तो कोई बेसिस था ही नहीं, डी में टिक मार्क करेंगे। 32 रिकॉर्डिंग इज डन इन द बुक ऑफ जर्नल, कहां गया, रिकॉर्डिंग इज डन इन द बुक कॉल्ड डैश, तो जरा बताओ ये क्या था, मैंने आंसर बता दिया आपको, जर्नल, रिकॉर्डिंग मतलब क्या, प्राइमरी रिकॉर्डिंग, और प्राइमरी रिकॉर्डिंग क्या, जर्नल में होता है, ए ऑप्शन टिक मार्क करें हमने। 33 बुक कंटेनिंग क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड क्लासिफाइड, जिसको हम क्लासिफाई करते हैं एक जैसा, लेजर को बोलते हैं, लेजर में क्लासिफिकेशन होता है जी, एक नेचर के आइटम को, एक जगह को। 34 में एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर डायरेक्टर, एक्सटर्नल नहीं है वो, तो इंटरनल आता है, मैंने बताया था, पार्टनर्स भी इंटरनल है, मैनेजर भी इंटरनल है, इन्वेस्टर्स एक्सटर्नल होता है, तो डी में टिक मार्क करेंगे। 35 अ वाइडली एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल्स कन्वेंशन स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो गैप में यानी कि सी में टिक मार्क करेंगे। 36 फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्ट, प्रॉफिट लॉस होता है, कैश फ्लो होता है, बैलेंस फंड फ्लो नहीं होता, मैंने आज बताया था, आप थोड़े चेहरे पे स्माइल लाओ ना, आप सब जानते हो, यू नो एवरी टाइप ऑफ एमसीक्यूज नाउ, कुछ भी एग्जाम में आए, योर कॉन्सेप्ट आर वेरी मच क्लियर। 37 कहता है कि डैश मीन्स आइडियाज और नोशन, ये तो कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन में था, कॉन्सेप्ट में टिक मार्क कर देंगे, है ना। फिर कहता है 38 में डैश इमर्जेज आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेज कॉमनली नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एडॉप्टेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से जो आपका क्या बोलते हैं इमर्ज हुआ, तो जरा बताओ 38 में आपका आंसर क्या होना चाहिए, जरा बताओ 38 में आंसर क्या होना चाहिए, अरे कौन सा आपका यहाँ पे इमर्ज हुआ है, कहाँ चला गया, ये कौन सा अकाउंटिंग कन्वेंशंस है ना, अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल से उनसे इमर्ज आपके हुए हैं, अभी बताया था, आज ही सीखा था। 39 में चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज जस्टिफाइड, देखो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी या कंसिस्टेंसी किसी पे बोल सकता है, तो टू कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ठीक है, टू इंश्योर मोर अप्रोप्रिएट ठीक है, टू कंप्लाई विथ लॉ ठीक है, तो डी में हम टिक मार्क कर देंगे ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 40 अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इन्वेंट्रीज ऑफ जेटा एंटरप्राइजेज states that inventories are valued at lower of cost determined on weighted average basis or NRV, which accounting principle आपने follow किया है, prudence यानी कि conservatism, lower पे value करना, prudence, ये सर average method ये सब क्या है, वो जब हम AS2 पढ़ेंगे ना तो वहां समझ लेंगे, फिलहाल lower मतलब कि आपका conservatism हुआ।
41 अकाउंटिंग पॉलिसीज रेफर टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग, अकाउंटिंग पॉलिसीज रेफर टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग, ये क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज रेफर टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग डैश है वहां पे एक्चुअली, तो क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज रेफर टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग आपका प्रिंसिपल्स, बी में कह रहा है कि मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स बोथ ए बी एंड नी, तो सी है मेरे बच्चे, अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब क्या, प्रिंसिपल को बताना और वो कैसे यूज किए जाएंगे, कैसे अप्लाई किए जाएंगे उनके ऊपर होता है। तो 41 का आंसर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सी आपका। नाउ कम टू 42 नंबर, आप समझो मेरी बात ना, है ना, 42 कुछ ऐसे वर्ड से जो हो सकता है कि मैंने अभी समझाया नहीं, बट यहां समझ लो क्योंकि वो एमसीक्यू में कुछ ही पूछ सकते हैं और जो पूछ सकते हैं सब मैंने यहां पे कवर कर लिया है। 42 फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इक्वल टू कैपिटल लायबिलिटी, लायबिलिटी प्लस ये क्या, कौन सा, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को हम इस फॉर्मेट में दिखाते हैं, सी में टिक मार्क करना। विच अकाउंट इज एन इज द ऑड आउट, ऑड वन आउट मतलब कि जो चारों में से जो अलग है वो बताओ, तो अलग हमें फर्नीचर एक दिख रहा, फिक्सेड्स लैंड बिल्डिंग भी फिक्सेड्स, सी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल करंट एसेट्स है, बाकी तीनों फिक्सेड्स है, नॉन करंट एसेट्स और ये करंट है, तो सी में टिक मार्क कर दूंगा। 44 इंडिकेट द ऑल्टरनेटिव, इंडिकेट द ऑल्टरनेटिव विच यू कंसिडर टू बी करेक्ट। इन डबल अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट, यस दिस इज करेक्ट, एटलीस्ट टू नॉट एट मोस्ट, दो अकाउंट कम से कम होंगे। चलो बाकी ऑप्शन पर लेते हैं। टू साइड्स ऑफ द सेम अकाउंट, गलत, सेम अकाउंट ऑन टू डिफरेंट इट्स, गलत, क्यों पढ़ू मैं, ए ठीक है 44 का ए। 45 में आइए, बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम द ओनर, ये कौन बोलता है, ये कहता है आपका सेपरेट एंटिटी, यानी कि बी में टिक मार्क करेंगे। 46 अकॉर्डिंग टू डैश कॉन्सेप्ट इट इज एज्यूम्ड दैट एंटरप्राइज विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर इंडिफरेंट, ये तो आपका गोइंग कंसर्न है, डी में टिक मार्क करेंगे, एक ही क्वेश्चन कई तरीके से पूछ रहा है और कुछ खास थोड़े हैं। 47 में आइए, अकॉर्डिंग टू डैश कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी, मनी मेजरमेंट, क्या आगे पढ़ू मैं, डी हो गया। 48 में आइए, अकॉर्डिंग टू डैश कॉन्सेप्ट द लाइफ ऑफ द एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉल, पीरियडिसिटी हो गया, क्या मैं आगे पढ़ू, पीरियडिसिटी यानी कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, तो 48 का ए हो गया। मुझे तो नींद आ रही है, ये तो बकवास चीजें हैं, इतना समझने के बाद इसको कराऊं तो मतलब क्या फायदा जीने का मेरे और आपका, फिर भी करा देता हूं, टाइम है भी है हमारे पास। 49 डैश मीन्स रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस एज दे आर अर्नड और इनकर्ड एंड नॉट व्हेन कैश और मनी, अच्छा ये तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है कि ड्यू बेसिस पे, सी में टिक मार्क करेंगे। 50 कहता है फॉर एस्टरटेनिंग प्रॉफिट लॉस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विथ रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड, ये क्या है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट है, 50 का ए हो गया आपका। 51 एज पर डैश कॉन्सेप्ट ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज, फुल डिस्क्लोजर आपका, ये आपका बी हो गया। 52 अकॉर्डिंग टू डैश कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन एज टू डुअल एस्पेक्ट, सी हो गया, डुअलिटी कह दे, डुअल एस्पेक्ट, एग्जाम में कोई भी एक नाम आ सकता है। 53 पे आप आइए, अंडर डैश कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग डेटा मस्ट बी वेरीफेबल, वेरीफेबल कॉन्सेप्ट अभी बोला था, सी ऑप्शन हो गया। 54 में अकॉर्डिंग टू डैश कॉन्सेप्ट वैल्यू ऑफ एसेट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस पेड, ये तो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, डी हो गया। 55 एज पर डैश कॉन्सेप्ट एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज इंपॉर्टेंट इफ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट नॉल, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट हो गया, 55 का बी हो गया। 56 डैश इज एन एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी हो गया। 57 डैश कॉन्सेप्ट सेज दैट द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस शुड नॉट चेंज, कंसिस्टेंसी है, मैं देख रहा हूँ पूरा पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट है, हम लोग सब जानते हैं। 57 का ए हो गया। 58 में कहता है कि डैश स्टेट्स दैट अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट, कंजर्वेटिज्म है, बी हो गया। 59 पे आइए, एज पर डैश कॉन्सेप्ट देर आर मेनी ऑल्टरनेटिव वैल्यू ऑफ द एसेट एंड अकाउंटेंट, सॉरी वेर देर आर मेनी ऑल्टरनेटिव वैल्यू ऑफ एन एसेट, कहता है बहुत सारे अगर आपके पास मेथड है, मेनी देर आर डिफरेंट, देर मेनी भी ठीक है, ऑल्टरनेटिव वैल्यू ऑफ द एसेट, अकाउंटेंट शुड चूज मेथड विच शोज लेसर वैल्यू, कौन सा बोलता है, ये तो आपका प्रूडेंस यानी कि कंजर्वेटिज्म हो गया, बी ऑप्शन।
60 में अंडर डैश प्रिंसिपल एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्ड इन द प्रॉपर टाइम. पीरियडिसिटी हो गया आपका, सॉरी टाइमलीनेस हो गया, प्रॉपर टाइम पर रिकॉर्ड करना, सी हो गया. 61 में कहते हैं एज पर डैश प्रिंसिपल एंट्री शुड फॉलो सच अकाउंटिंग प्रैक्टिसेज व्हिच आर प्रिवेलिंग इन द इंडस्ट्री. तो ये क्या बोलते हैं आपका, इंडस्ट्री प्रैक्टिसेज, यानी कि डी ऑप्शन हो गया. नाउ विल कम टू आपका प्रैक्टिस सेशन टू. तो एक्चुअली सब आप जानते हो ना, कुछ नया चीज हो तब तो कोई परेशानी की बात हो. तो ये चीजें मुझे कुछ खास मजेदार लगी नहीं एक्चुअली. अब नाउ यू नो एवरीथिंग. और हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट के बुक में जितने सारे क्वेश्चन हो सकते वो तो मैंने कवर कर ही लिया है. बाकी और भी कुछ है वो भी कवर कर लिया मेरे बच्चे. खूब करो ना प्रैक्टिस, है ना. आओ ना एक बार और देखते हैं सेशन टू में बताता है. पढ़ेंगे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन टू. नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब फील्ड, बुक कीपिंग. वही क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे दिया. दो चार क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, गुस्सा नहीं होना. पर्पस ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट. अकाउंटिंग सिस्टम का पर्पस क्या था. कहता है इंटरप्रेट एंड रिकॉर्ड द इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये तो है. क्लासीफाई द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन टू फैसिलिटेट, ये भी ठीक है. समराइज, ये भी ठीक है. डी में कहता है डिक्टेट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज ट्रांजेक्शन दैट द एंटरप्राइज मे इंगेज इन. डिक्टेट करना ये तो गलत है, यही टिक मार्क कर देना बी में. फाइनेंस थर्ड क्वेश्चन, मतलब डी था ना, वो डी था. सेकेंड में डी में आप टिक मार्क करेंगे वो आपका नहीं होता है ना. थर्ड में आइए. फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज कैरेक्टराइज बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इट इज हिस्टोरिकल, सही है जी, हिस्टोरिकल होता है पास्ट डेटा, ये गलत थोड़े है. फैक्चुअल, फैक्ट है जी, ये भी ठीक है. इट रिजल्ट्स फ्रॉम इन एग्जैक्ट एंड इन अप्रोप्रिएट मेजर्स, ये गलत है. एग्जैक्ट होता है जी, इन अप्रोप्रिएट क्यों बोल रहे हो आप, गलत है ये. थर्ड का सी ऑप्शन गलत है. फोर्थ में कहता है बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद क्या, रिकॉर्डिंग. याद है ना आपको मैंने बताया था, तो आप यहाँ पे ए में टिक मार्क करेंगे रिकॉर्डिंग. ये डिजाइनिंग में नहीं होता, ये इंटरप्रिटेशन में नहीं होता, सिर्फ रिकॉर्डिंग में होता है बुक कीपिंग. पांचवा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट लेजर पोस्टिंग. मतलब मैंने बताया था अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग भी होता है, मेजरमेंट भी होता है, फोरकास्टिंग भी होता है, सिर्फ लेजर पोस्टिंग नहीं होता. तो डी में टिक मार्क कर लेंगे. सिक्स कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ट्रू. बुककीपिंग फॉल्स, ऑल फॉल्स, नन फॉल्स. अकाउंटिंग सिक्स में ए में टिक मार्क कर लेंगे. सेवेंथ मैंने डिलीट किया हुआ क्वेश्चन है, आपके काम का नहीं था. एट में यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन है, क्रिएटर भी है, कस्टमर भी है, लेंडर भी, ऑल में टिक मार्क करेंगे, मतलब डी. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली कंसिडर, क्वेश्चन नंबर नाइन, ओनली एसेट एक्सप्रेस इन मनी, ओनली लायबिलिटी एसेट एक्सप्रेस इन नॉन मोनिट्री. और डी में कहता है एसेट लायबिलिटी एक्सप्रेस इन मोनिट्री, ये ठीक है. ऊपर वाले जितने तीन ऑप्शन से अच्छा है ना डी आपका, तो ये ठीक है. फिर कहता है टेंथ क्वेश्चन में एक जनवरी को आपने रेंट पे किया 5000, इट्स ए ट्रांजेक्शन. रेंट पे करना, सैलरी पे करना ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन में टिक मार्क करेंगे. इलेवेंथ, 31st March 2021 को आफ्टर सेल of goods worth 2000 he is left with a closing of stock of 10000. what is this, this is an event hai na bachche, jo end mein uska bach gaya ultimate impact jo raha, ab stock itna bach gaya wo kya hai, event hamara hai. to hum 11th mein a mein tick mark karenge. ye bhi kaam khatam ho gaya. to practice session 2 bhi khatam ho gaya. aao na aap jo baat chali hai to practice session 3 bhi khatam karo aur kaam khatam karte hain is chapter ka. फिर हम अगले चैप्टर में एंट्री करेंगे. पढ़िए मेरे साथ. पिक अप द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस. नंबर वन, ऑल द फॉलोइंग आइटम्स आर क्लासिफाइड एज फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जेप्शन, FAA, एक्सेप्ट. क्या था याद आपको, कंसिस्टेंसी था, गोइंग कंसर्न था, अक्रूअल था, क्या नहीं था, बिजनेस एंटिटी. तो हम लोग क्या करेंगे, बी पे टिक मार्क करेंगे, बी पे. क्वेश्चन टू डिलीटेड है. क्वेश्चन थ्री पे आइए. कनिका एंटरप्राइज फॉलो द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन ईयर आफ्टर ईयर, मतलब हर एक साल, बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी. जब हर एक साल तो फिर कंसिस्टेंसी आपका है, सी में टिक मार्क करेंगे. फोर्थ में कहता है कि ए परचेज अ कार फॉर 5 lakhs, मेड डाउन पेमेंट 1 lakh, साइनिंग 4 lakhs बीपी, ड्यू इन 60. तो क्या होगा, आप देखो 5 lakh का कार आया, 1 lakh का पेमेंट किया, तो 4 lakh से एसेट बढ़ा नेट और 4 lakh से लायबिलिटी बढ़ गया. तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन दिख रहा है, जहां पे टोटल एसेट्स इंक्रीज बाय 4 lakhs विथ ए कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी भी 4 lakhs. डी में टिक मार्क कर लेंगे.
पांचवे क्वेश्चन पे आप आएंगे। मोहन परचेज गुड्स 15 लैक्स का 4/5 आपने सोल्ड कर दिया 18 लैक्स में, मेट एक्सपेंसेस 250, कहता है ही अकाउंटेड नेट प्रॉफिट 350, विच ऑफ द कॉन्सेप्ट वाज फॉलोड। ये तो हमेशा मैचिंग ही होगा, प्रॉफिट आपका जो है ना, क्योंकि जिस तरीके से निकालते हो मैचिंग पे निकालते हो, तो फिर दूसरा क्या पढ़ना, सी में टिक मार कर देना, आप कर लेना सी में, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन पे आइए, बिजनेसमैन परचेज गुड्स 25 लैक्स का, 80% गुड्स उसने आपका सेल किया जी 31 मार्च 2021 तक, मार्केट वैल्यू कहता है रिमेनिंग गुड्स का 4 लैक्स है, ही वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट उसने खराब किया, मैं समझ गया बट फिर भी मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो 15 लैक्स का गुड्स परचेज किया था और 15 लैक्स का 4/5 गुड्स बेच दिया, तो जो रिमेनिंग गुड्स है जरा बताओ उसकी कॉस्ट कितनी, तो 15 लैक्स का 1/5 यानी कि 3 लैक्स रुपए ये कॉस्ट है, और उसका मार्केट प्राइस कह देगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कह देगा, मतलब बेच के कितना पैसा मिलेगा, मीनिंग सेम कहता है कि कहां चला गया, मार्केट वैल्यू रिमेनिंग गुड्स का कहता है कि 4 लैक्स है, अच्छा मार्केट प्राइस 4 लैक्स है, तो हमें किस पे दिखाना चाहिए था, 3 लैक्स पे, लोअर पे, लेकिन कहता है कि ही वैल्यूड द क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, कुछ गलत, माफ की दोबारा गलत पढ़ा मैंने, सिक्स क्वेश्चन पढ़ा था एक्चुअली, 25 लैक्स का परचेज किया, 80% बेच दिया, तो 20% बच गया, तो 25 लैक्स का 20%, 25 लैक्स का 20% ये कितना हो गया 5 लैक्स, और इसका मार्केट प्राइस कितना बता रहा है 4 लैक्स, और क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किस पे किया है वो, अरे मैं क्या पढ़ रहा हूं, सिक्स क्वेश्चन था ना, बिजनेस मैन परचेज गुड्स 25 लाख का और 80% सोल्ड कर दिया ड्यूरिंग द अकाउंटिंग, ये मार्केट प्राइस ऑफ रिमेनिंग गुड्स कहता है वाज 4 लाख रुपए, ठीक है, मतलब मार्केट प्राइस कहता है कि 4 लाख है और कॉस्ट दिख रहा 5 लाख, फिर आगे पढ़ना कहता है कि ही वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, इस पे वैल्यू किया, कंजर्वेटिज्म को तोड़ दिया आपने, कंजर्वेटिज्म बी ऑप्शन या प्रूडेंस जो भी दो में से एक नाम देगा आप वही टिक मार्क करेंगे, तो बी ऑप्शन पे। कैपिटल ब्रॉट इन बाय द प्रोप्राइटर इज एन एग्जांपल ऑफ, कैपिटल लेकर आएगा तो क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा और साथ ही साथ एसेट्स बढ़ेगा जी, तो इंक्रीज इन एसेट्स इंक्रीज इन लायबिलिटी, बी में कहता है इंक्रीज इन लायबिलिटी डिक्रीज इन एसेट, सी में कहता है इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन लायबिलिटी, डी में कहता है इंक्रीज इन वन एसेट डिक्रीज अनदर। मेरे बच्चे यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा, आप जानते हैं कि कैपिटल भी एक इंटरनल लायबिलिटी होता है, तो क्योंकि उसने कैपिटल वर्ड यूज नहीं किया है तो लायबिलिटी पे फोकस करना होगा, कैपिटल पैसा लेकर आएगा तो बिजनेस का क्या होगा जी, एसेट बढ़ेगा और लायबिलिटी बढ़ेगा, पढ़ो इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लायबिलिटी, ए ऑप्शन में टिक मार्क करेंगे, मतलब हमें टिक मार्क करना है कि आखिर ऑप्शन जो अवेलेबल है उसी के अंदर में से, आप ये मत लिख देना क्वेश्चन इज रॉन्ग क्योंकि कैपिटल आपने नहीं दिया है, कैपिटल भी इंटरनल लायबिलिटी होता है, तो 7 का A। 8 पे आइए, एसेट आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ, एसेट्स क्यों रखते हैं, क्या रीसेल बेचने के लिए, ना, कन्वर्जन इनटू कैश, गलत बात है, कैश में थोड़े कन्वर्ट करके रखते हैं जी, अर्निंग रेवेन्यू, ये सी में टिक मार्क करेंगे, वही ना रेवेन्यू अर्न करने के लिए जी, उससे हम गुड्स बनाएंगे बेचेंगे पैसा कमाएंगे। 9 क्वेश्चन, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट इज जनरली रियलाइज इन द पीरियड इन विच कैश इज कलेक्टेड, ना सेल इज मेड, जिस साल हम सेल करते हैं उस दिन रेवेन्यू दिखाते हैं, तो बी ठीक है। 10th में कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म व्हेन अप्लाइड बैलेंस शीट रिजल्ट इन, बैलेंस शीट में क्या होगा, अगर कंजर्वेटिज्म को अप्लाई कर रहे हो तो एसेट्स को हम कम प्राइस पे दिखा रहे हैं, और एसेट्स को कम प्राइस पे दिखाने का मतलब कि एसेट साइड कम दिखने का, ऐसा कुछ होना चाहिए। नंबर ए अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट, ये ठीक लग रहा है, ओवर स्टेटमेंट गलत है, कैपिटल ओवर स्टेटमेंट की बात ही नहीं उठ रही है, अंडर स्टेटमेंट कैपिटल बात ही नहीं उठ रही है, ए ऑप्शन ठीक लगा, 10 का A है ना बच्चे। 11th में आइए, डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स जनरली रिजल्ट्स इन, अगर क्रेडिटर्स डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, जनरली तो कैश डिक्रीज करेगा, बी में टिक मार्क कर लेना। 12th में डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसिज ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट, तो 12th में हम लोग क्या करेंगे, सी में टिक मार्क करेंगे, है ना बच्चे, 12th में हमारा कहां जाएगा, सी में टिक मार्क आपका होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे आप यहां पे 13 क्वेश्चन में,
कहता है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज द अंडरलाइंग बेसिस ऑफ स्टेटिंग फिक्सेड्स एट रियलाइजेबल, ये क्या बात कर रहा है, रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाना फिक्सेड्स को ना, डिस्क्लोजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ना, डिस्टिंक्शन ऑफ एसेट, हाँ ये ठीक है, गोइंग कंसर्न में क्या जो इस साल जिसका बेनिफिट एक्सपेंस जो आगे एसेट, तो सी ठीक है। 14 क्वेश्चन, इकोनॉमिक लाइफ जो स्प्लिट करते हैं बिकॉज ऑफ पीरियडिसिटी, यानी कि ए ठीक है। और 15, इफ एन इंडिविजुअल एसेट इज इंक्रीज्ड देयर विल बी कोरिस्पोंडिंग, अगर कोई एसेट्स इंक्रीज करता है तो कोरिस्पोंडिंग क्या एसेट्स कम होगा या लायबिलिटी बढ़ेगा, अभी किया था हमने, इंक्रीज ऑफ अनदर एसेट्स और इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी, गलत है, डिक्रीज ऑफ एसेट अनदर एसेट एंड इंक्रीज, बी ठीक है, बी में टिक मार कीजिए। 16 में परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, अगर मशीन परचेज किया हमने कैश पे तो डिक्रीज होगा, नहीं मशीनरी परचेज किया कैश पे तो मशीन आया और कैश चला गया, एसेट साइड टोटल सेम रहेगा, डिक्रीज ना इंक्रीज ना रिटेन टोटल एसेट्स अनचेंज्ड, ये सी में टिक मार करेंगे। 17 में कहता है कि आपका कॉस्ट ऑफ मशीनरी 10 लाख का, इंस्टॉल किया 1 लाख हो गया तो 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपीज हो गया, मार्केट वैल्यू 12 लाख है। वाइल फाइनलाइजिंग द एनुअल अकाउंट कंपनी ने वैल्यू किया मशीन को 12 लाख पे, गलत है, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट यानी कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट, वो आपका वो वैल्यूट किया क्योंकि वो कहता है कि भैया आप कॉस्ट पे दिखाइए हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, तो 17 का ए ठीक है आपका, है ना बच्चे। आप आ जाइए 18 क्वेश्चन में, अब प्रोप्राइटर कहता है मिस्टर ए हैज रिपोर्टेड प्रॉफिट ऑफ 1,25,000, ये अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस मैं आपको समझा देता हूं यहां पे, ये लो आप। 18 के अंदर कहता है कि एक प्रोप्राइटर ने आपका 1,25,000 का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, 125 एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग अमाउंट, क्या क्या जी, कॉस्ट ऑफ एसेट्स 25,000 को आपने एक्सपेंस लिया, गलत है, अरे एक्सपेंस को एक्सपेंस कैसे ले लोगे, एसेट्स को एसेट्स के रूप में दिखाओ, तो अगर आपने एक्सपेंस माना होगा तो मेरे बच्चे आपने रेवेन्यू में से एक्सपेंस जो माइनस किया तो एक्सपेंस ज्यादा माइनस कर दिया, कितना ज्यादा 25,000, और अगर एक्सपेंस 25,000 ज्यादा माइनस कर दिया तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, हम क्या करेंगे प्रॉफिट को बढ़ा देंगे अगर इस पाप यानी कि गलती को अगर हम सुधार रहे हैं तो, ठीक है। नंबर टू कहता कि ए इज एंटीसिपेटिंग प्रॉफिट ऑफ 10,000 ऑन फ्यूचर सेल ऑफ ए कार शोन, लो कहता कि आपका कोई कार बिकेगा फ्यूचर में और उस पे आपने 10,000 का प्रॉफिट एंटीसिपेट कर लिया, उसको इंक्लूड कर लिया, मेरे बच्चे प्रॉफिट कभी हम एंटीसिपेट नहीं करते क्योंकि वो इसमें मिला हुआ है, हम उसको माइनस कर देंगे, गलत प्रॉफिट है आपका। फिर आगे पढ़ेंगे नंबर थ्री, सैलरी 7,000 जो पेबल है मतलब जो अभी आउटस्टैंडिंग है आपने अकाउंट में ही कंसिडर नहीं किया, गलत है, वो भी होगा जी अक्रूअल बेसिस पे, तो 7,000 और आप माइनस कर देंगे, है ना, सही प्रॉफिट निकालना अगर है तो। फोर्थ में ए परचेज एसेट्स फॉर 75,000 बट इट्स फेयर वैल्यू कहता है ऑन द डेट ऑफ परचेज 85,000 था और ए ने क्या किया उस एसेट्स को बुक में 85 पे रिकॉर्ड कर लिया, तो खैर इसका प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता क्योंकि जब हम आप पढ़ेंगे आगे कि जब एसेट्स को हम ज्यादा वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं तो प्रॉफिट में तो कोई इंपैक्ट का मतलब ही नहीं बनता। तो कहता है पढ़ो जरा, ऑन द बेसिस ऑफ अवर फैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या व्हाट इज द करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी रिपोर्टेड, क्या करेक्ट होना चाहिए, ये करेक्ट होना चाहिए 150, 160, 153, है ना, वन आपका ऊपर में, यस सर सॉरी माइनस हो रहा ना, 50 माइनस 17 कितना हो जाएगा 133, है ना 133 का अमाउंट, तो आप देखो 18 का 1 का आंसर आपका होगा 133 यानी कि डी ऑप्शन, 18 का आपका आंसर होगा डी, ठीक है ना सर। आपने फोर्थ वाले पॉइंट कंसीडर क्यों नहीं किया, अरे एसेट्स को आपने ज्यादा वो दिखाया तो उससे प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट निकालते समय एक्सपेंसेस इनकम माइनस करते हैं तो कोई मतलब ही नहीं बनता। पॉइंट नंबर टू पे आइए, विच मेजरमेंट शुड बी फॉलोड इन दिस स्टेटमेंट फोर, फोर्थ में कौन सा, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहिए था, हिस्टोरिकल कॉस्ट, है ना बच्चे, तो आप टू में ए में टिक मार्क करेंगे यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट में।
ये करंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, ये आगे के टॉपिक से, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ मतलब नहीं, बट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ध्यान रखना। ये आपका करंट कॉस्ट क्या होता है, रिप्लेसमेंट क्या होता है, आगे टॉपिक आएगा, मैं समझाऊंगा, आप चिंता नहीं करना, बस इस चैप्टर में अभी रिलेवेंट नहीं है। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट था तो मैंने यहाँ पे डाल दिया क्वेश्चन। विच कॉन्सेप्ट शुड बी फॉलोड इन द स्टेटमेंट टू, टू में क्या था जी, एंटिसिपेटिंग प्रॉफिट, कंजर्वेटिज्म ना, गलत है वो, ए में टिक मार्क करेंगे, सॉरी कंजर्वेटिज्म कहाँ गया, यस ए में टिक मार्क करेंगे। फोर्थ में विच कॉन्सेप्ट शुड बी फॉलोड इन द स्टेटमेंट थ्री, थर्ड में सैलरी 7000 जो पे है वो अपना रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड करना जी, एक्रूअल है वो, एक्रूअल कॉन्सेप्ट आपका है ना, ड्यू बेसिस पर रिकॉर्डिंग करना। तो ये भी मैंने खत्म कर दिया, अब ये खत्म हो गया बच्चे, ये चैप्टर खत्म हो गया, इसके एमसीक्यूज खत्म हो गए, आज की क्लास खत्म हो गया, मेरा लैपटॉप भी बंद हो गया, और आप बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग फील करो क्योंकि आपने सब कुछ खत्म कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट हीरे की तरह आपके दिमाग में बैठ गए। आज की क्लास यहीं पे, अगली क्लास में मिलेंगे इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए अगले चैप्टर में, तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थ्योरी पार्ट में अभी अगला पार्ट आएगा, हम उसको वहां देखेंगे। बाय बाय बच्चे, थैंक यू जी, थैंक यू।